तो व्यक्ति नस्ली वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति नस्ली वस्तुओं को ग्रहण करते हैं वो कभी तपस्या कर सकते हैं। तपस्या तभी कर पाएंगे जब हमारी बुद्धि सही रहेगा, एकाग्र रहेगा। नस्ली वस्तुओं से बुद्धि विकृत हो जाती है, इसलिए धर्म का दूसरा चरण नष्ट हो जाती है। तीसरा चरण है स्त्री, अब अवैध स्त्री संग नहीं करनी चाहिए, वहां पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा है जीव हिंसा, जीव हिंसा में मांस मछली अंडा पी करके है घूम घाम करके कोशिश करेंगे जिसे 7 दिन को बिता दे। लेकिन परीक्षित महाराज उन्होंने ऐसे नहीं किया, बल्कि ये ठाकुर जी के मेरे ऊपर में कृपा है, ठाकुर जी कृपा करके हमें 7 दिन दिया है, ये 7 दिन को हम भगवान की भजन में लगाएंगे, ठाकुर जी की भक्ति में लगाएंगे। क्यों? ये जीवन दुर्लभ जीवन है, इस जीवन में भगवान की अगर भक्ति हमने कर ली तो समझना जीवन का सारे कर्तव्य हमारी हो चुका है। इसलिए उन्होंने अपना बच्चे को राज सिंहासन में बैठा करके श्री गंगा किनारा में आश्रय दिया। गंगा भगवान की चरणामृत, चरणामृत और चरण में कोई फर्क नहीं, मानव गुरु जी के चरण को उन्होंने आश्रय दिया है। पहले टेलीफोन टेलीग्राफ नहीं होता था, लेकिन ऋषि मुनियों के पास में दिव्यज्ञान हुआ करते थे। सारे ऋषि मुनियों को पता चला अभी श्री परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी आएंगे, अभी ये श्रीमद् भागवत कथा होने वाले, वहां पर 88,000 ऋषि लोग एकत्रित हो गए। तब श्री परीक्षित महाराज प्रश्न किया, बोले हे ऋषियों आप कृपा करके ये बताइए अभी मुझे क्या करनी चाहिए। एक दिन सबको मरना पड़ेगा, अत्यबा अप्त सतान देवा प्राणी बई मृत्यु नाम ध्रुव, आज हो नहीं तो 100 साल का बाद में हो, सबको एक दिन मरना ही है। लेकिन ये मरण से व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? लेकिन नासो मुनिर जस्य मतम न हो, वहां पर जो मुनि लोग थे ऐसे कोई मुनि नहीं था जिसका मत कोई अलग नहीं था। किसने कहा भैया विघ्न विनाशन श्री गणेश जी की पूजा कर, किसने कहा उसका मैया क्या कहीं चली गई, किसने कहा उसको पिता क्या कहीं चली गई, सबके सब अलग 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 परामर्श देने लग गए और आपस आपस में चर्चा कर रहे थे। परीक्षित महाराज ने देखा का बरसा जब कृषि सुखा, मेरे पास में केवल 7 दिन है, लेकिन ये लोग तक तर्क वितर्क में लग गए। यद्यपि ये सब सब एक ही मीमांसा पर पहुंचेंगे, श्रोतव्य कृतितव्यस्य स्मर्तव्य इच्छा भय, अगर जीवन में कोई अभय बना चाहते हैं एक ही इसका सारांश है, भगवान को स्मरण करो, भगवान का कीर्तन करो और भगवान की कथा सुनो, ये सारे शास्त्र का यही निचोड़ है। लेकिन मेरे पास में तो कुल 7 ही दिन है, ये तो शास्त्रार्थ में लगे पड़े हैं। तो उन्होंने भगवान का शरणागत हो गए, हे ठाकुर जी मातृगर्भ में आप ही मुझे रक्षा की थी, अभी मेरी अंतिम समय है, मैं चाहता हूँ तुम्हारी कथा सुनते सुनते मेरे 7 दिन बीत जाए। जब हृदय से उन्होंने भगवान को पुकारे तब भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। जब सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए वहां पर उनको पिताजी के पिताजी के पिताजी बैठे हुए थे, सबको उन्होंने प्रणाम किया, सबको उन्होंने आदर दिया, आदर देकर के उन्होंने सिंहासन में बैठ गए। अब यहाँ पर प्रश्न है, भैया जी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी बैठे हुए, ये सबसे छोटे हैं, नंगे धड़ंगे हैं, सबसे छोटे हैं, लेकिन ये कथा इनसे ही क्यों सुने? वहां तो उनके पिताजी के पिताजी व्यास पराशर नारद बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए थे। कहते कारण है, बोले प्रिया सुखश्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबने एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी।
भले सुखदेव गोस्वामी को रहे भले प्रिया सुखश्री वृषभानुजाया कहते राधा रानी की ये प्रिय सुख है। कभी कभी राधा रानी उनका अपना हाथों में बैठा करके अनार की दाना खिलाया करती थी, बोलती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण, वो सुख भी बोलता था कृष्ण कृष्ण। कभी कभी कृष्ण भी जिनको अपना हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाया करती थी, बोलती थी बोलो तो राधे राधे, ये सुख भी बोलता था राधे राधे। कभी कभी राधा रानी ये सुख को कृष्ण रूप मान करती, कभी कभी उनको चुंबन करती थी। चुंबन करने पर राधा जी की जो अधरा मृत ये तोते की ठोंट में लगा हुआ है, राधा रानी की अधरा मृत, इसलिए राधा शब्द को उल्टा दो बताओ तो क्या होगा, राधा शब्द को उल्टा दो क्या होगा, धारा होगा। इसलिए राधा नहीं कभी ये कृष्ण प्रेम रस की जो धारा है ना कभी श्रीमती राधा रानी। इसलिए वहां पर इतने बड़े बड़े ऋषि लोग रहते हुए भी लेकिन जो कथा सुने श्री सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने कथा सुने। जब श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट वहां पर हुए तो परीक्षित महाराज प्रश्न करते थे बोले अतः पृच्छामि सम सिद्धि योगिनांग परमम गुरु पुरुषस्य जत कर्तव्य म्रियमानस्य सर्वथा। बोले हे श्री सुखदेव गोस्वामी आप कृपा करके ये बताइए, एक दिन सबको मरना पड़ेगा और जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद इसको ऐसे लगे जीवन में हमें सब कुछ मिल गया। अब इस जगत में देखना भले ही जितने पैसा एक व्यक्ति को मिल जाए, कुछ लो टाटा बिरला अंबानी को इतने पैसा किया तुम तृप्त हो गए हो, वो सोचता होगा पृथ्वी का सबसे नंबर पैसा वाला मेरे को होनी चाहिए। इस जगत में कोई भी तृप्त नहीं होते हैं, इसलिए हम कहते ना कमाई करो कमाई करो कमाई करो, मतलब क्या कम आई और ज्यादा आनी चाहिए। लेकिन उनका प्रश्न है ऐसे जगत में क्या वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव को ये लगे जीवन में हमें सब कुछ वस्तु की प्राप्ति हो गई, जीवन में हमें किसी चीज की कमी नहीं। इसलिए भागवत गीता में बताए बोले जम लब्धा च चापरम लाभम अम मन्नते अधिकम तत्। जिस वस्तु को पाने पर उसको ऐसे लगे इसी से बड़ी वस्तु जगत में कुछ है ही नहीं, उसको ये उपलब्धि हो। जैसे श्री ध्रुव महाराज जी जब उन्होंने भगवत दर्शन मिल गया, भगवान ने कहा ध्रुव जी बर्मा गो, बोले प्रभु अगर कोई कांच के टुकड़े ढूंढते ढूंढते उसको पारस मणि मिल जाए, जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति होगा जो कि पारस मणि छोड़ करके कांच के टुकड़े को ग्रहण करेंगे, आपका चरण कमल तो देवता बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी तुम्हारी चरण दुर्लभ है। इसलिए प्रभु तृप्त अस्मि, मैं तृप्त हो गया बरम न जाचे, और किसी चीज की जरूरत नहीं, अगर आप देना चाहते हो हमें संतों की संगत है, भक्तों की हमें संग प्रदान करो। इसलिए इनका प्रश्न है जगत में ऐसे क्या वस्तु है और जीव का क्या करनी चाहिए और जीव को क्या नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप कृपा करके सारे प्रश्न का उत्तर दो। अब ये प्रश्न सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी बोले बोले बरियान ऐसते प्रश्न कृतलो कहृतम नृपम। बोले वाह तुमने कितने सुंदर तुमने प्रश्न किया है, जिस प्रश्न की सराहना बड़े बड़े ऋषि लोग आत्मा में जो रमण करने वाले व्यक्ति भी इसकी सराहना करेंगे, तो उन्होंने इसका उत्तर देते हैं है? बोले निद्रया नक्तम चवावयम दिवाच अर्थ हय राजन कुटुंब भरण निवा। इसका उत्तर देते हैं बोले देखो इसी जगत में जीव चार ही काम करते हैं, कितना काम करते हैं क्या चार काम है, बोले दिन में दो करते हैं और रात को दो। बोले दिन में दो क्या, बोले पैसा कमाओ, पैसा के द्वारा अपना परिवार को मेंटेनेंस करो, रात को सोना और विषय भोग करना, बच्चों को जन्म देना। तो सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये बताओ
जीव जो ये चार काम करके अपना जीवन को नष्ट करते हैं, ये चार काम को ऐसे कौन सा जानवर नहीं जो नहीं करता है? ये काम तो सारा दुनिया करता है, पशु पक्षी चिड़िया जानवर ये सब के सब ये यही काम करते हैं, खाओ पियो सो बच्चे जन्म दो, ये भी तो यही चार काम करते हैं। तो हमारे गुरुजी एक सुंदर कथा सुनाते थे, अब ध्यान देकर सुना। बोले एक समय को एक जज जा रहा था, देखा रास्ता में एक सुअर लेटा हुआ, वो बूट पहना था, बूट से उसको जोर से मारा। सुअर ने कहा भैया तू मेरे को क्यों मार रहे हो? बोले तू सुअर हो। तो सुअर ने पूछा तुम कौन हो? बोले तू देख नहीं रहा मैं जज हूं। सुअर प्रश्न करता है, बोले ये बताओ तू मेरे से किस चीज में बड़े हो? बोले पूछ लो। बोले तेरे कितने बीवी है? बोले एक। सुअर ने कहा तुमको पता है मेरे कितने बीवी? देखो ये 15-20 सब सुअरनिया सब लेटी है ना, ये सब सबके सब मेरे बीवी है, ये सबके साथ में मैं रहता हूँ। बोले इसमें भी फेल हो? बोले बात तो सही है। बोले ये बताओ जीवन में तुमने कितने बच्चों को जन्म दिए? 2, 4, 8, 10, इससे तो ज्यादा बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। सुअर ने कहा मैंने 6 महीना में एक बार बच्चा देता हूँ, कभी कभी 10-10, 12-12, 15-15 भी हो जाते हैं एक साथ में, इतने बच्चे को मैं जन्म देता हूँ। उसका तीसरा प्रश्न है, बोले तुम्हें ये बताओ ये बच्चों को लालन पालन करके कितने दिन में इनको होनहार बनाते हो? आपको पता होगा 20-25 साल लग जाते हैं। सुअर ने कहा कुल 1 महीना में मैंने ये बच्चों को होनहार करके छोड़ देता हूँ। बोले ये बच्चों को पालना करने के लिए तुमने क्या क्या किया हो? बोले पहले माइनर स्कूल में गया, हाई स्कूल में गया, यूनिवर्सिटी में गया, फिर एक नौकरी करता हूँ उसमें भी 8-10 घंटा समय जाता है, बड़े कष्ट से बच्चों को पालन करता हूँ। सुअर ने कहा भैया 10-10, 15-15 बच्चों को मैंने पालन करने के लिए कोई हाई स्कूल माइनर स्कूल यूनिवर्सिटी कोई नौकरी चाकरी नहीं करता, इनको तो आसानी से मैं बड़ा बना देता हूँ, घूमता फिरता हूँ और आसानी से इनको मैं होनहार बना करके छोड़ देता हूँ। उसने कहा भैया रात को तुमको नींद आती है? सुअर ने पूछा नींद आती है? जिनको संसार का बड़ा बोझ होगा, बेटे को शादी दिलाना, बेटियों को शादी दिलाना हैं, अगर जिसको ज्यादा दायित्व तो होगा ना। बोले तुम्हें तो एयर कंडीशनर रूम में गोली खाने पर भी नींद नहीं आती होगी, लेकिन मैं नो टेंशन, कीचड़ गोबर में आराम से कीचड़ गोबर में सोता रहता हूँ है। इसलिए आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे कोई जानवर ने सुसाइड किया है, कभी सुने हो कोई जानवर ने सुसाइड किया? ये इंसान ही करता है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर हमने केवल यही चार काम करके पैसा कमाओ खाओ पियो बच्चों को पढ़ा करके अगर मर गए, बोले भैया जानवर तो इस सब चीज में हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है। प्रश्न है फिर ये मानव शरीर का इतने दुर्लभ तो क्यों है? तो भगवान राम कहते हैं बोले साधन धा मोक्ष कर द्वारा, साधन धा मोक्ष कर द्वारा, साधन धा मोक्ष कर द्वारा, आए न जई पर लोक सुधारा, इसलिए इतना दुर्लभत्व है। ये जीवन में हम एक काम कर सकते हैं भगवान की भक्ति, भक्ति करते हुए संसार से हम पर पार जा सकते हैं, लेकिन मानव शरीर के सिवाय और भी कोई राम राम कृष्ण कृष्ण कोई भी ठाकुर जी का नाम कोई नहीं ले सकते। इसलिए बोले धर्म ही तेसा अधिक विशेषा, इसलिए ये जीवन में जो भगवान की जो भक्ति ही इसी जीवन में की जा सकती है,
इसलिए ये मानव शरीर को इतने दुर्लभ बताए। अगर इस जीवन में हमने सारे कर्तव्य बढ़िया से हमने चुकाया, लेकिन कहते भगवान की भक्ति नहीं किया, बोले भैया लास्ट में देखोगे सब जीरो, तुमने जितने सब कुछ किया ना लास्ट में सब जीरो ही है, क्योंकि अंतिम समय में यही बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है सब कई बात होता है। बोले जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिए वही जा रहे हैं, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया तुमने झूठे में जीवन बिताया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते भैया जीवन रहते हुए क्या करो, भगवान की भक्ति कर लो, भगवान की भजन कर लो। एक बार सबके सब हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण, हम लोग कोई बोल नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी ये सृष्टि का क्रम को वर्णन कर रहे हैं। बोले जिस समय भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुए, ब्रह्मा चारी तरफ में देखे तो पानी ही पानी देखे, बोले मेरी सृष्टि कहाँ से हुई, कमल नाड़ में उन्होंने अनुसंधान किए हजार साल तक कोई था नहीं पाई, फिर ऊपर में आए, उन्होंने व्यंजन वर्ण का दो अक्षर सुना त और उप, भगवान बोले तपस्या करो, जब उन्होंने तपस्या की भगवान बोले ज्ञानम में परम गुह्यम जत विज्ञान समन्वितम सरहस्यं च तदगं च गृहाणम गदितम मया। भगवान ब्रह्मा को ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, इसलिए ये भागवत का एक नाम है चतुश्लोकी। सबसे पहले ठाकुर ब्रह्मा जी को ये चार ही श्लोक दिए, ये चार ही श्लोक सही 18,000 श्लोक इसका विस्तृत है। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी को गोपाल मंत्र प्रदान करते हैं, बोले तुम तपस्या करो। ब्रह्मा जी जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ये सृष्टि का क्रम धीरे धीरे बढ़ाओ। इसलिए सर्वप्रथम ब्रह्मा जी अपना मन से उनने चतुसन को सृष्टि किया, सनक सनातन सनातन और श्री सनत कुमार, ये चतुसन को उन्होंने सृष्टि किया। बोले बच्चों भगवान का निर्देश है संसार का क्रम को बढ़ाओ। बोले पिताजी ये ग्रह गृहस्थी बड़ा दुखमय है, हम ये संसार का दुख में पड़ना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं प्रभु का भक्ति करें और मस्ती रहे। बोले क्या भगवान का आदेश है, तुम आदेश नहीं पालना करोगे? बोले पिताजी क्षमा कर लो, अभिशाप दिए। बोले अगर तुम ये संसार धर्म नहीं करोगे, जैसे तुम बच्चे होकर जन्म हुए ना, जिंदगी भर बच्चे ही बने रहो। बोले पिताजी ये थोड़ी अभिशाप है, ये तो वरदान है, घर का सारे बोझ किसको ऊपर में, सबके सब पिता माता को ऊपर, बड़ों को ऊपर में, बच्चे लोग तो मस्ती से खेलते कूदते हैं। बोले ये थोड़ी अभिशाप, ये तो वरदान है। जब उनको क्रोध आई उनकी ललाट से रुद्र प्रकट हुए, शंकर जी को भी यही आदेश दिए, लेकिन शंकर तो सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर जोगी जोगी महाजोगी। जब ध्यान में शंकर जी बैठते हैं वो कल्प कल्प तक बीत जाती है, शंकर जी के मन में भी कोई इच्छा नहीं ये घर गृहस्थी करना, इनकी तो इच्छा प्रभु के ध्यान में डूबे रहो। उन्होंने देखा अगर पिताजी को मैं भी मना कर दूं ना, फिर पिताजी बिगड़ नहीं जाए। बोले ऐसे काम करो पिता, अपने आप बंद करते मना करते। उन्होंने तो भूत पिशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले ये कोई सृष्टि करे ना, ध्वंस कर रहे हो, ये कोई सृष्टि है भूत पिशाच, जरूरत नहीं इसे सृष्टि करने का, बंद करो। बोले पिताजी मैं तो यही चाह रहा था। फिर उन्होंने परछाई से कर्दम ऋषि को प्रकट की, फिर 10 संतान, फिर ब्रह्मा जी अपना शरीर से मनु और शत्रुपा को सृष्टि की, और यहीं से उत्थान पात प्रिय व्रत आकृति देहु की प्रसूति हुई। फिर यहीं से जो संसार का जो क्रम धीरे धीरे यहीं से बढ़े, और बढ़ते बढ़ते ना ये पृथ्वी में जितने इंसान हैं इतने सारे इंसान भर गए। इसलिए हम लोग सृष्टि हुए किससे, बोले श्री मनु महाराज से हम सृष्टि हुए।
इसलिए हमको मानव कहलाते हैं। लेकिन अभी का जो साइंस है ना, जैसे डार्विन थ्योरी, बोले नहीं हमारे पूर्वज लोग तो बंदर थे, ये बंदर का पूछ कटते कटते जब खत्म हो गया ना, अरे इंसान बन गए। लेकिन हमारे बड़े गुरुजी कहते हैं ये जो डार्विन है ना, इसका पितामह तो बंदर थे, हमारे पिता माता कोई बंदर नहीं थे, हमारे पिता माता तो ठाकुर जी थे, हमारे पिता माता ठाकुर जी थे। अगर बंदर से हुए पूछ कटते कटते, तो जो पूछ कटते कटते ये हो गया, बीच का भाग गया कहाँ? अभी कितने सारे बंदर घूम रहे हैं बताओ, अभी कोई बंदर कोई इंसान कोई बनता है? उसी समय में क्यों बना, अभी क्यों नहीं बन रहा है? ये डार्विन मरने से पहले एक चीज को बोल कर गया, बोले भैया ये बंदर से कभी इंसान बन ही नहीं सकता, ये सरकार मेरे को जोर जबरदस्त किया था, तुम इसको प्रूव करके दिखा दो बंदर से इंसान हुए। उसने एक गरिला और इंसान का खोपड़ी ले लिया और उसमें लगा करके बोल दिया, देखो कैसे क्रम से धीरे 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 इंसान ये हमें ठग करके गया, और लास्ट में मरने से पहले बोल कर गया ये बंदर से कभी इंसान बन ही नहीं सकते, कभी बन नहीं सकते हैं, इसलिए ये बंदर से कोई इंसान नहीं बने। इसलिए देखो हमारी भगवत गीता, देखो ये हमारी मूल ग्रंथ है, कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, बोले ममई बांस जीव लोके जीव भूत सनातन। कृष्ण खुद कहते हैं बोले जगत में जितने जीव सब मेरे बच्चे हैं, पिता अहमस्य जगत धाता माता पिता मह, कृष्ण कहते दुनिया के पिता माता भाई बंधु मैं हूं। अब देखो क्रिश्चियन का ग्रंथ बाइबल उठा करके देखो, वहां पर कहते गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, ये बाइबल में लिखा हुआ भगवान ने अपना जैसे इंसान बनाया। अब कुरान मुसलमान का ग्रंथ पढ़ करके देखो, वहां पर कहते अल्लाह ने अपना जैसे सूरत उन्हें इंसान को दिया, हमारे किसी शास्त्र में नहीं बताया ये बंदर से कोई इंसान बन गया। अब बंदर का एक बंदर को लो अपना चेहरा से मिलाओ, बताओ बंदर का कौन सा रूप में तुम्हारी चेहरा मिलेगा, उसका आंखें में ना तो कानों में ना हाथों में, कोई एक चीज से बंदर से आप मिलोगे? लेकिन भगवान कृष्ण को देखो, भगवान राम को देखो, उनको साथ में आपका चेहरा मिलेगा कि नहीं? भगवान का नाक जैसे हमारी नाक है, ऐसे उनका दो आंख है, हमारी दो आंख भगवान की दो हाथ, देखना ठाकुर को साथ में मिलता नहीं हमारा चेहरा, बंदर से मिलता है तुम्हारे चेहरा को। इसलिए एक समय साइंटिस्ट ने एक बंदर का ब्रेन को लेकर के इंसान का ब्रेन में लगाने के लिए कोशिश किया, बंदर जैसे इंसान ने छलांग लगाना शुरू कर दिया, उसका एक पार्ट भी नहीं लगा सकते इंसान में, तो कैसे ये बंदर इंसान कैसे हो गया? भैया हम लोग कोई भी बंदर से कोई इंसान नहीं हुए, हम सब के सब किससे हुए हैं? भगवान ठाकुर जी से हुए हैं। इसलिए तो मैं वह माता च, देखो हमारे भारत में सभी का गोत्र है, गोत्र है ना सबका, सबको पूछो कि क्या क्या तुम्हारे क्या गोत्र है, बोलो तुम्हारे गोत्र क्या, बोलो को क्या गोत्र है, तुम्हारे गोत्र क्या है, अरे पहले क्या गोत्र था? देखे यहां पर अब सबको पूछ लो सभी की एक एक गोत्र, ये गोत्र आया कहां से? कहते ब्रह्मा जिसे जो 10 संतान जन्म हुए हैं, जिसकी परंपरा से हम लोग आए हैं, जिस ऋषि की वशिष्ठ का गोत्र, कोई किसका विश्वामित्र गोत्र है, किसका सांडिल्य गोत्र, क्यों? जिस ऋषि से परंपरा से हम आए हैं, सब हमारी गोत्र उसी ऋषि परंपरा के अनुरूप हमारी गोत्र है। इसलिए हम लोग कोई भी बंदर से नहीं हुए, हम सबके सब श्री ठाकुर जी से हुए हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए यहाँ पर श्री कर्दम ऋषि जब तपस्या करते हैं, भगवान संतुष्ट होकर के दर्शन दिया, बोले वर्मा आ गो, बोले प्रभु आपकी चरण में अचला भक्त, बोले तथास्तु, बोले और वर्मा आ गो, बोले प्रभु मेरे मन में तो संसार की कोई इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा सृष्टि का क्रम बढ़े, इसलिए आपकी इच्छा को तो मैं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन दो शर्त है। बोले बताओ क्या चाहते? बोले आप अगर मेरे बेटे बन के आओगे ना, फिर मैं शादी करूँगा, लेकिन तब तक संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए, फिर मैं भक्ति करने चले जाए। बोले कोई बात नहीं, फिर माता देहूति को साथ में फिर शादी होती है कर्दम ऋषि की, और जो माता देहूति को जब मनु महाराज भेजते हैं, उसको सिखा पढ़ा कर भेजते हैं, जानते हो क्या सिखा पढ़ा कर भेजते हैं? बोले देख बेटी, तेरे ऊपर में ये दो जो कुल है, जो दो वंशज तेरे ऊपर में निर्भर करता है, अगर अगर तुम ससुर घर में जाकर के
सभी की सेवा करोगे, सभी की आदर दोगे ना, फिर ससुर घर में क्या बोलेंगे? बोले भाई वाह, तुम्हारी पिता माता ने कितने अच्छे संस्कार दिया, सचमुच से हमारे पिता माता के धन्य है, हैं? लेकिन अगर वहां जाकर कुछ गड़बड़ी करोगे ना, सबसे पहले अंगुल पिता माता को ऊपर उठाएंगे, बोले तेरे पिता माता ने यही सब सीखा पढ़ा कर भेजे, वो पहले नहीं बोलते थे कुछ गड़बड़ेगा तो मेरे पास में फोन कर देना, फिर हम सबके सब आ जाएंगे। ये फोन है ना जितनी गड़बड़ी का कारण है, थोड़ी सी कुछ हो जाए बस झट फोन कर दे, फिर लड़ाई तलाक भला करना नहीं, पहले ये नहीं रहता था। बल्कि तुम्हारी लाश उठेगा तो तुम्हारी ससुर घर से उठेगी, यहां से नहीं। ऐसे सिखा पढ़ा करके बेटियों को भेजा करते थे अपना घर में, इसलिए ये घर अच्छे तरह से बैठता था घर को, है पर ये लड़ाई झगड़ा नहीं होती थी, इसलिए उनको पिता माता ये शिक्षा दे करके उनको जब भेजे बेटी को उन्होंने भेजे। लेकिन अभी जब शादी हो गई ना, इसको बाद में फिर ऋषि भजन में बैठी गई, 10,000 साल भजन में बैठी। माता देवकी ने अपना पति व्रता धर्म को रखा करते हुए पति की बड़ी सेवा की, 10,000 साल में आंख खुला तो उन्होंने भूल गए हमने कहीं शादी किया हुआ, हमने कहीं शादी किया भूल गए, सामने दिखाए कि बुढ़िया बैठी हुई, क्योंकि पति भोजन नहीं करते हैं, जब पति भोजन नहीं करे फिर पत्नी कैसे भोजन करेगी, अभी पति श्रृंगार नहीं करते हैं ये कैसे श्रृंगार करे, इसलिए उसकी केस में जटाजुट हो गया। इसकी यहाँ शिक्षा देती हैं ऐसे नहीं खाना बनाए बच्चे पति को खिलाए ना खुद खा ली, यहाँ कहती नहीं ये धर्म पत्नी का धर्म नहीं। और उसकी जटाजुट क्यों हो गए, बोले पति बैठे हुए भजन में, पत्नियां जो श्रृंगार करती हैं किसको किसके लिए श्रृंगार करती हैं, अपना पति के लिए ही श्रृंगार करती हैं, दूसरे के लिए श्रृंगार पत्नी की नहीं। इसलिए अभी पति भजन में बैठे हुए फिर उनने श्रृंगार करके फिर किसको दिखाएंगे, हमने देखा हमारे घर में हमारे जो माताएं हैं ना कभी दिन में श्रृंगार नहीं करती थी, शाम को करती थी, बोले क्यों, बोले पति तो गया काम के लिए, श्रृंगार में किसको दिखाऊंगी, पति शाम को आएगा, इसलिए पत्नियां शाम को श्रृंगार करती थी, घर में पति काम करके आना, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति सर पर कपड़ा ओढ़ना, क्यों कहते स्त्री का सौंदर्य दूसरे पुरुषों के लिए नहीं, अपना सौंदर्य केवल अपना पति के लिए ही हमारी ये सौंदर्य था, इसलिए ये हमारी भारतीय संस्कृति है, है? ये हमारी भारतीय सभ्यता ये सब के सब है। लेकिन अभी वेस्टर्न कल्चर आकर के धीरे 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 हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे, लेकिन हमको ऐसे लगता है शायद विदेशियों का जैसे रहना सहना खान पान अगर करेंगे ना हम बहुत बड़े हो जाएंगे, एकदम नहीं, एकदम नहीं। ये सत्यानाश देश की सत्यानाश इसी में ही हो रहा है, देश की सत्यानाश, इतने लड़ाई झगड़ा, इतने अशांति घर घर में है। इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, हैं? मिलजुल करके पति पत्नी मिलजुल करके रहे और अपना घर को अच्छे तरह से घर को अपना बैठाए, हैं? अपना घर को बैठाए। इसलिए अभी जब उनकी तपस्या खोली, देखो पति सेवा की कितने महत्व है, बोले बताओ तेरे को क्या चाहिए, बोले आपने शादी क्यों किया था, भगवान से वरदान मांगा ना, अगर आप बेटे बन करके आओगे तो हम शादी करेंगे, बोले भगवान बेटे ही नहीं बने, बोले जाओ ये कुंड में स्नान करो, स्नान की तो पहले जितने सुंदर थी ना राजकुमार थी उससे और सुंदरी बन करके निकली, हजार दास दासियां प्रकट हुई, इन्होंने एक विमान बनाए जिसका नाम था कामक विमान। देखो पहले जो साइंस है अभी का साइंस से बहुत ज्यादा एडवांस था, वो वर्णन आती है जो कामक विमान इतना विशाल था जिसमें सुंदर राजमहल बनी हुई थी, जिसमें सुंदर सरोवर है, जिसमें सुंदर पेड़ पौधा, जिसमें सुंदर राजहंस क्रीड़ा करते हैं, कोयले कूकती है, मयूर केका करते हैं, और जिस विमान में बैठोगे ना आपको कभी भूख नहीं लगेगी, कभी आप बूढ़े कोई बूढ़ी नहीं होगी, अब ऐसे कोई विमान निकल सकता है, कामक मतलब जैसे चाहोगे वो विमान वैसे उड़ेगा, पेट्रोल डीजल की कोई जरूरत नहीं, ऐसे दिव्य विमान बनाए और बैठ कर विमान में विचरण उन्होंने करते रहे।
अभी उनको बड़ी सुंदरी सुंदरी नौ उनकी कन्या जन्म हुई। करदम बोले देवदेव तो खुश हो गए, नौ नौ बच्ची। बोले नहीं बच्चिया तो शादी करके अपना पियर अपना ससुर घर चली जाएगी, अभी मेरे पास में कौन रहेगा, अभी भगवान बेटे बन करके नहीं आए। फिर माता देवकी ने करदम ऋषि की सेवा की तो भगवान के कृपा से भगवान श्री कपिल रूप में भगवान आए। बोले श्री कपिल भगवान की जय। जब भगवान आए अभी इनके घर में नौ नौ बेटियां हैं। आप लोगों ने कोई बेटियों की शादी दिलवाया हो? कौन कौन बेटी कौन कौन बेटियों को शादी करवाया, हाथ उठाओ तो। किसने किसने बेटियों की शादी करवाई? देखना जब एक बेटी को शादी करते ना घर खाली हो जाता है ना, एक बेटी की। और इनके पास में कितना बेटी है? इनके पास में नौ बेटियां है। अब समझो नौ बेटियों की शादी कैसे होगी, शादी कैसे होगी? इसलिए कहते हैं करते हो तुम कन्या मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा ना ठाकुर जी सारे काम का अपने आप कर देते। ठाकुर जी आप लोगों ने नरसिंह भक्त का कथा सुने होंगे हैं, इसलिए ठाकुर जी कैसे भात भरने के लिए उसकी बेटी की अब वो सीरियल देखे होंगे, बेटी की ठाकुर जी भात भरने के लिए गए और ऐसे सोने चांदी की बरसात हुई, ऐसे सोने चांदी की बरसात हुई है, ऐसे भात दुनिया में किसने नहीं भरे। ठाकुर जी साबरिया सेठ बन करके जैसे उन्होंने भात को भरे। इसलिए एक दिन ब्रह्मा जी अपना नौ बेटों को लेकर के मिलने के लिए आए, देखा इनके नौ बेटे और इनकी नौ बेटी। बोले भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, इसलिए शुभम शीघ्रम शुभ कार्य को शीघ्र कर दो। एक साथ में नौ बेटी खत्म, घर एकदम खाली हो गए नौ बेटियों की। अभी घर में तीन व्यक्ति रह गए। अभी श्री करदम ऋषि भजन करने जा रहे हैं तो यहाँ प्रश्न करते हैं, बोले भैया तू भजन करने के लिए किसको जा रहे हो? बोले भगवान को। बोले तेरे घर में तो भगवान, घर में तो भगवान तुम्हारी बैठे हुए, फिर भगवान को भक्ति के लिए क्यों जा रहे हो? घर में भगवान को छोड़ करके तुम बाहर भगवान को ढूंढने क्यों जा रहे हो? तब तो हमारे टीकाकारों ने बहुत अच्छी बात बताई, ये चीज को ध्यान देकर सुनो। घर में भगवान रहने पर भी फिर ये भक्ति करने का क्या जरूरत है? यहाँ पर कहते हैं हमारी जीवन का जो लक्ष्य है ना, भगवान लक्ष्य नहीं उनका प्रेम लक्ष्य है। इसलिए रूप गोस्वामी प्रेम का दो लक्षण बताते। पहला लक्षण है सांद्र नाम का विशेष आत्मा श्री कृष्णा कर्षण चसा। जैसे आप दूध को गर्म करो ना, गर्म करते करते दूध क्या बन जाता है? राबड़ी बन जाती है। आप जितने साधन करते जाओगे, जितने साधन करोगे भगवान की, कहते प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादन, आपको प्रति पद पद में पूर्ण अमृत की आस्वादन होगी है, प्रति पद पद में नई 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 आनंद मिलेगी। पर दूसरा लक्षण किया बोले श्री कृष्णा कर्षण चसा। वो उदाहरण देते हैं जैसे फूल खिलने पर ये फूल भौरा को पास में नहीं जाता, ये भौरा फूल को पास में आता है। कहते ये भौरा कौन है? बोले कृष्ण। बोले ये फूल क्या है? हमारे हृदय में जब कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हो यही फूल है। इसलिए ध्रुव ने जब तपस्या की, ध्रुव ने भगवान नारायण को पास में नहीं गए, नारायण ध्रुव जी को पास में आए। जब ध्रुव ने तपस्या की, नारायण सुंदर सज धज करके, जैसे कोई यात्रा पार्टी में जाते हैं ना देखने के लिए, ठाकुर जी बड़े सज धज करके निकल रहे थे। तो वैकुंठ वासियों ने प्रश्न की, ठाकुर जी आप इतने सुंदर सज धज करके कहाँ जा रहे हो? देखो क्या कहते हैं भगवान, कहते ध्रुव जी को दर्शन करने जा रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं बताया दर्शन देने जा रहा हूँ, ध्रुव जी को दर्शन करने में जा रहा हूँ। इसलिए गोपियों के घर में कृष्ण रोज रोज आकर के मक्खन चोरी करते थे, गोपियां कृष्ण के घर में नहीं गई, कृष्ण इनको घर में आते थे। बोले क्यों? बोले जिनके हृदय में प्रेम हो ठाकुर जी का प्रति, रूप गोस्वामी कहते श्री कृष्ण आकर्षण चसा, वो भगवान को आकर्षण करता है, ठाकुर जी को खींच करके ले आता है, हैं? इसलिए हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो प्रेम ही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए इन्होंने भगवान की भजन करने के लिए गए। लेकिन अगर हृदय में प्रेम नहीं हो, भगवान भी दर्शन दे दिए कुछ लाभ होगा नहीं। आप बताओ रावण ने राम को देखा कि नहीं? बताओ देखा है ना, लेकिन वो सीता को उठा ले गया।
जगत अम्बा जगह जनी। फिर राम को साथ में युद्ध किया ना रावण ने, मेघनाथ ने राम लक्ष्मण को देखा लेकिन उनको नाग फांस बंधन में बांध दिया और लक्ष्मण को पर शक्ति सेल की प्रहार की। बोले भैया अगर भगवत दर्शन से जीव का कल्याण हो जाता फिर इन लोग ने तो भगवान को देखा है, इनके कल्याण क्यों नहीं हुआ, ये भगवान से लड़ाई क्यों किए। फिर यहाँ शिक्षा देते हैं अगर हृदय में तुम्हारी प्रेम नहीं, भगवान मिल भी जाए हमारी कोई भी लाभ होने वाले नहीं। इसलिए यहाँ पर भगवान घर में रहते हुए भी यहाँ पर भजन करने के लिए जा रहे, उन्होंने भजन करने के लिए चले गए, घर में केवल माँ और बेटे, माँ और बेटे हैं। माँ को पता है मेरा बेटा भगवान है। एक दिन माँ आकर के बेटे को पास में कहते बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती हूँ, मेरा मन बड़ा चंचल है, कभी पियर में कभी ससुर घर में कभी बेटे में कभी बेटी में। पुरुष लोगों का इतना चिंता नहीं, ज्यादा चिंता माताओं की, क्योंकि घर को माताएं सब देखभाल करती हैं, इसलिए मेरा मन तो बड़ा चंचल है। बताओ ये चंचल मन को हम कैसे भजन में लगाए। तो भगवान ने अपना माँ को उपलक्ष्य करके हम जगत जीवों को उन्होंने सिखा दिया। बोले माँ, बोले मन एव मनुष्य नाम कारण बंध मक्षेवा। बोले ये मन ही मुक्ति का कारण है और यही मन ही बंधन का कारण। जब ये मन को हम सत्संग में लगा देंगे और सत्संग के द्वारा हम भगवान के चरण में लगा देंगे, यही मन मुक्ति की कारण बन जाएगी। लेकिन ये मन को जो विषय में लगा देंगे फिर बंधन का कारण बनेगा। इसलिए माँ ये मन को तुम भगवान के चरण में लगा दो। बोले बेटा जितने आसानी से बोल दिया ना इतने आसानी नहीं है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, ये मन तो बड़ा चंचल है ये मन। बोले माँ ये चंचल मन को अगर तुम भगवान के चरण में लगाना चाहते हो एक ही उपाय है, संतों की संग करो। बोले सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदौ भवति हृत्कार रसायन कथा ताजो स्तन आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। बोले माँ जब तुम संतों की संग करोगे, माँ सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदौ, संतों के साथ में जो कथा होती है बड़ा ताकतवान कथा होती है माँ, जब वो कथा को सुनोगे ना, ये कथा सुनते सुनते धीरे धीरे तुम्हारे मन प्राण चित्त ठाकुर चरण में अपने आप लग जाएगी। केवल साधु संग से अगर तुम सत्संग करोगे उसको जरा क्या होगा, बोले अ प वर्ग वर्तमनी, प वर्ग मतलब प फ ब भ और म, ये प वर्ग है ना, प फ ब भ म। बोले साधु संग से ये सारी खत्म हो जाएगी, प प में परिश्रम, बोले फ फ में फेण बार झांक, बोले ब ब में व्यर्थता, बोले भ मतलब भय, म मतलब मृत्यु। बोले माँ अगर तू सत्संग करोगे ना, ये सत्संग से ही मृत्यु भय दुख कष्ट ये केवल ये सत्संग से ही तुम्हारी लाभ होगी है। इसलिए बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। बोले बेटा तुमने बोल दिया संतों के संग करना, बोले बेटा हमें पता कैसे चलेगा कौन संत कौन असंत, उसका कुछ लक्षण बता दो। फिर भगवान बोले माँ संतों का तो बहुत लक्षण है। बोले तितिक सब कारुणिक सुहृदा सर्वदेहिना अजात सात्रव शांता साधु भी साधु भूषण। देखो यहाँ पर ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, अब ये मत समझो संत वही है और जो चोला जो ना जो ये गौरी की वस्त्र जो पहन लिया वही संत है, ये चीज को समझो। संत मतलब होता है घर में हो, हमारे शास्त्र कहता है गृह वा बन्यत थाके सदा हरि बोलि ठाके। ये भागवत में देखो जितनी कथा आप सुनोगे ज्यादा गृहस्थी को कथा है। देखो ध्रुव महाराज क्या घर गृहस्थी ना त्यागी थे, प्रहलाद महाराज गृहस्थी ना त्यागी थे, अम्बरीश महाराज गृहस्थ ना त्यागी, भरत महाराज गृहस्थ ना त्यागी, ये गोपियां घर में रहती ना वन में रहती थी, सब घर में रहती थी।
अब लोग ये मत समझो साधु वही है जो साधु की चोला पहने, नहीं, हमारा शास्त्र उसको ये नहीं कहता है। संत हुए हैं वो घर में रहे, नहीं तो वन में रहे। अगर कोई वन में रह रहे हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते साधु नहीं है। अगर कोई घर में रह करके भगवान की भक्ति भगवान के भजन करते है ना, वही साधु है। चैतन्य महाप्रभु का भक्त अक्सर करके भक्त वो घर में ही रहते थे, लेकिन घर में रहते हुए भी ऐसे साधन भजन करते थे, ऐसे भक्ति करते थे, महाप्रभु जिनके पास में ऋणी हो गए महाप्रभु, ऐसे उन्होंने भगवान की भक्ति भजन किया है। इसलिए कहते जय भजे सही बड़ा, जो भजन करता है वही बड़ा है। वस्त्र लेकर के कोई भजन भजन से कोई मतलब नहीं, मांग करके खाओ और पेट भर के थोड़ी साधु है, तो साधु नहीं है। इसलिए कहीं भी रहो लेकिन भगवान की भक्ति करो। हाँ देखो यहाँ कहते हैं भक्ति करने के लिए सबसे पहला गुण आपका चाहिए तितिक्षा। तितिक्षा मतलब सहर। कहते जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। सबसे पहले भक्ति करना तो भैया सहनशीलता सीखो, बात बात में क्रोध आ जाए, बात बात में तुम्हारी दिल चंचल हो जाए, भक्ति फिर कैसे करोगे, भजन कैसे करोगे। इसलिए सबसे पहले संत बनने के लिए पहले सहन शक्ति को पहले सीख लो। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक हरिदास ठाकुर हुए हैं, दिन में जो 3-3 लाख हरिनाम करते थे, 1 लाख हरिनाम तो जोर जोर से करते थे। सबके सब एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कहते दिन में ये 3-3 लाख हरिनाम करते थे। किसने पूछा भैया तू ये चिल्ला चिल्ला करके हरे कृष्ण हमने सुना भजन तो मन मन में करते हैं, तू इतने जोर से फिर चिल्ला चिल्ला करके क्यों करता हूँ। देखो उन्होंने क्या बोले, बोले ये बताओ एक व्यक्ति कमा करके खुद अपना पेट पालता है और एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ दोनों में बड़े कौन है। बोले जो परिवार को खिलाता है। कहते उसी तरह जो व्यक्ति मन मन में हरिनाम करता केवल अपना कल्याण सोचता है, लेकिन जो व्यक्ति उच्च स्वर से जोर जोर से हरिनाम करता है, जैसे लता पता पेड़ पौधा, वो कोई भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन जब हम भगवान का नाम लेते हैं उनको कानों में भी ठाकुर का नाम पड़ता है। जब उनकी कानों में ठाकुर का नाम पड़े उनका भी उद्धार होता है, उनका भी कल्याण होता है, हैं? तो उन्होंने शास्त्र का एक श्लोक उठा करके बोले, बोले जप तो हरि नामानि स्थाने सत गुणाधिक। वो कहते हैं पुराण में बताए, कहते मन मन में जो हरि नाम करते हैं उनको जो पुण्य मिलेगी, जो व्यक्ति उच्च स्वर से हरि नाम करते हैं कहते उनको 100 गुण ज्यादा पुण्य मिलेगी, 100 गुण ज्यादा, इतने महिमा भगवत नाम को जप करने का। लेकिन वो मुसलमान कुल में जन्म हुए, लेकिन उसी समय मुसलमान पीरियड था, मुसलमान राजा उसको बुलाए, बोले तू ये हिंदुओं का हरिनाम हरे कृष्ण क्यों कर रहे हो, कितने भाग्य से तुमने ये मुसलमान कुल में जन्म लिए हो, जब हम हिंदुओं का छाया को स्पर्श करते हम स्नान करते हैं, लेकिन तू मुसलमान घर में लेकर के इतने भाग्य से ये हिंदुओं का ये हरे कृष्ण क्यों करते हो। उसने कहा देखो भगवान दो है नहीं, भगवान एक ही है, लेकिन उनका अलग अलग सब नाम है, लेकिन मेरे को तो ये नाम अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूं। बोले खबरदार ये हरि नाम नहीं कर सकते हो, अगर हरि नाम करोगे ना तेरे को बोटी बोटी कर काट डालेंगे। बोले बोटी बोटी कर काट डालो भले ही, लेकिन हम भगवान का भजन नहीं छोड़ने वाले। उनको 5-6 सिपाही लगा दिया, कोड़े में इसको 22 बाजार में ऐसे पिटाई करो दुनिया को देख करके पता चले जो मुसलमान घर में जन्म लेकर के ये हिंदुओं का हरे कृष्ण बोलते हैं उसको क्या सजा मिलता है। लेकिन जितने जोर जोर से उसको पीट रहे थे ना उतना जोर जोर से बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे। उतना जोर जोर से नाम ले रहे थे, ठाकुर जी स्वयं वैकुंठ से
सुदर्शन चक्र लेकर के आ गए, बोले ये सब को मैं संहार कर डालूंगा। देखो संतों का दिल कितना कितना जो सहन शक्ति, इसलिए कहते ना संत हृदय न बनी तसमाना, 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 आकाह कभी नी पर काही न जाना, कभी पर काही न जाना, संत हृदय न बनी तसमाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, लाल की जय श्री राम। जब वो हरि नाम कर रहे थे इतने में स्वयं ठाकुर जी सुदर्शन चक्र लेकर के आ गए, बोले ये सब को मैं ध्वंस कर डालूंगा। देखो संतों का हृदय कितना कोमल है। हरिदास ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे थे, ठाकुर जी ये सब अज्ञानी है, आपका इनका कोई अपराध मत लो, इनको माफ कर दो। जो मार रहे थे वो कितना भक्त बड़ा सख्त है, अगर हमें थोड़ी सी कोई हानि कोई पहुंचाएगा ना, बोले कब मर जाए, इसका सत्यानाश हो जाए, अगर थोड़ी सी कोई कष्ट दे, लेकिन उसको कोड़े को बड़े कोड़े मार रहे हैं, कहते यही संतों का, बोले उसको बड़े कोड़े को बड़े कोड़े पड़ रहा है, लेकिन वो ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे, ठाकुर जी सुदर्शन चक्र करके आ गए, बोले इनको सबके सब में ध्वंस कर दूंगा, लेकिन वो ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहे, ठाकुर जी इनके अपराध को माफ कर दो, अज्ञानी है। फिर ठाकुर जी अपना पीठ उनको पीठ पर लगा दी, जितने कोड़े पड़े सब ठाकुर जी को पीठ के ऊपर पड़े, ये सबके सब ठाकुर जी इसको ले लिया सबके सब। इसलिए यहाँ पर कहते हैं
संतों का जो पहला गुण देखो, संत केवल जो केवल चोले पहने घर में भी, पहला लक्षण क्या है? तितिक सव मतलब होता है पहले सहन शक्ति है, सहन शक्ति, उसको बाद में बड़े दयालु, बोले अजात शत्रु दुनिया में उसका नहीं होते है, कहते ना वसुधैव कुटुंबकम, ये मानते हैं हम सब के सब एक पिता के ही संतान है, हमारे एक पिता उनके सबके सब हम संतान है। कहते जो लक्षण है ये उनकी बाहरी लक्षण है, कहते उनका अंदर का लक्षण क्या है, इनकी स्वरूप सही लक्षण क्या है। देखो ध्यान देकर सुनो, ये सुनने की चीज है, ये भक्त ठाकुर जी स्वयं कहते हैं उनकी सही लक्षण क्या है, बोले मई अनन्न भावे ना भक्ति कुर्बती के दिया, कहते वो मेरे जो शुद्ध भक्त है उनका विशेष लक्षण है मई अनन्न भावना, मतलब है वो एकनिष्ठ भक्ति करते हैं, वो बहुनिष्ठ भक्ति नहीं करते हैं, आज इसको पूजा कर दिया, कल उसको पूजा किया, कल वहां पूजा किया, नहीं, भक्ति एकनिष्ठ होनी चाहिए। लेकिन हमारी भक्ति देखो कैसे, सोमवार, आप लोग बुरा मत मानना, सोमवार शंकर जी के मंदिर में गए, बम बम भोले बाबा बोले, खूब दूध चढ़ाए, खूब वहां पर बेल पत्र चढ़ाए, बोले शंकर जी तन मन धन तेरे चरण, तू मेरे लाज बचाना, तुम ही सब कुछ। लेकिन जब मंगलवार आए ना, शंकर जी का तरफ में देखे भी नहीं, वो सीधा हनुमान जी के मंदिर में गए, और जो बात वो शंकर जी को बोल रहे थे तन मन धन तेरे चरण में, तू मेरे लाज बचाना सब कुछ, वही बात मेरे हनुमान जी को बोलते हैं। शंकर जी कहते बड़ा आदमी बड़ा दुष्ट है, ये तो कल मेरे पास में आकर के यही बता रहा था तन मन धन तेरे चरण में, ये आज तो पूरा की पूरा ये तो मेरे तरफ में देखा ही नहीं। फिर जब बुधवार आएगा ना, सीधा गणेश जी के मंदिर में, जो हनुमान जी को बोले तो फिर वही बात बोलेंगे। भगवान को धोखे दे सकते हो, ठाकुर जी को धोखे दे सकते हो, उनको धोखे नहीं दे सकते, ठाकुर सब कुछ जानते हैं, इसलिए ये भक्ति भक्ति नहीं इसको कहते हैं, इनको उनको तो ठगना होता है, हैं? हम उसको झूठ बोल रहे हैं देवता को, इसलिए भक्ति ऐसे नहीं होती है, भक्ति एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए, एकनिष्ठ और होनी चाहिए। ऐसे एक व्यक्ति को भक्ति करो, जो एक व्यक्ति को भक्ति करो सबका भक्ति हो जाएगी। कहते वो कौन है, बोली वाक्य बिहारी, कल सुन रहे थे ना, भगवान विराट रूप दिखाए, अर्जुन देख मैं कौन हूँ, जिसको तू शंकर, जिसको तुम कहते दुर्गा देखो दुर्गा मेरे में, जिसको तुम कहते इंद्र चंद्र वायु वरुण देख अर्जुन विश्व ब्रह्मांड मेरे में, मेरे को छोड़ करके दुनिया में कुछ नहीं। जब हम कृष्ण को चरण में प्रणाम की ना, ये 33 करोड़ देवा देवी के चरण में प्रणाम हो गया तुम्हारे, ये हो गया, फिर क्या दूसरे देवा देवी को अपमान कर, नहीं, शास्त्र कहता है कभी भी किसको अनादर मत करो, सभी का सम्मान करो, सबका सम्मान दो, सभी से भगवान की भक्ति मांगो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण लिखते हैं, शंकर पार्वती को गुरु रूप में वंदना करते हैं, शंकर जी परम वैष्णव है, माता परम वैष्णवी है, उनसे भक्ति मांगो, हनुमान जी राम के सबसे बड़े भक्त हैं, उनसे भगवान की भक्ति प्रेम को मांगो उनसे, ये सारे देवादेवी ठाकुर जी की भक्त है सबके सब, सबको भक्ति प्रार्थना करो। लेकिन अपना हृदय में तो, मेरे तो गिरिधर गोपाला, उसके बाद में क्या है, मेरे तो गुरुधर गोपाला, हाँ, इसलिए हृदय में तो केवल कान्हा को ही स्थान दो, और सबका आदर करो, अनादर किसको मत करो। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंति जतिना, वो मेरे प्यारे भक्त है जो अनन्य रूप में मेरी भक्ति करते हैं, है? अनन्य ना अन्य, ये अनन्य है। फिर यहाँ पर भगवान माँ को बड़ी अच्छी अच्छी उपदेश दी, बोले माँ जब जीव की जीव को मातृ गर्भ में 7 महीना हो जाती है, उसको ज्ञान आ जाता है, 1000 जन्म की बात उसको याद आती है, पूर्व पूर्व जन्म में हमने क्या क्या कर्म की, कर्म का फल कैसे अकेले मातृ गर्भ में हम भोग कर रहे हैं, वो पिताजी कहाँ, वो माताजी कहाँ, वो भैया कहाँ, वो पत्नी कहाँ है, यहाँ तो कोई साथ में है ही नहीं, मैं अकेला ही सारे कर्म फल भोग कर रहा हूँ, हैं? इसलिए भगवान को कहते ठाकुर जी मेरे को यहाँ से निकाल दो। बोले निकाल दोगे तो क्या करोगे, बोले प्रभु एक बार केवल निकाल दो
उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा, तेरे भजन करूंगा। बोले यहाँ क्या कष्ट में पढ़ करके बोल रहे हो ना, जब जन्म दे दूंगा सो भूल जाओगे। बोले प्रभु कभी भूलूंगा नहीं तेरे को। भगवान कहते देखो अगर भूल जाओगे ना, बीच बीच में मैं तेरे को वार्निंग दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे? बोले जब एक बाल पक जाए ना, देखना समय आ गया। अब ध्यान देख रहे, देखना जब बाल पकती हैं ये कान के पास में, यही से बाल पकना शुरू होती है। बोले कान में पहला बेल दे दिया, तू कसम खा करके आया तो भजन करोगे हरिनाम करोगे ना, कितने समय टीवी देखते हो, कितने समय इधर उधर की बात करते हो और कितने समय माला जप करते हो, लेकिन जब एक बाल पक जाए हम उसको उखाड़ देते फेंक देते। बोले इतने जल्दी हमें बुढ़ा बुढ़ी बना रहे हो। फिर दो बाल पक गया उसको भी उखाड़ देते हैं, तीन बाल पक गया उसको भी, लेकिन जब खिचड़ी हो जाता है ना फिर मेहंदी फिर कलर लगा देते, कहते थोड़ी हमें बुढ़ा बुढ़ी हमारे कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते दूसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले आंखों में कमजोर आ जाएगी, देखना कमजोर आ जाएगी, फिर बढ़िया चश्मा लगा देता है। फिर कहते थर्ड वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले एक एक करके दांत तोड़ना शुरू करूंगा। फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर फिर 32 दांत लगा देते हैं और खिलखिला कर हंसते हैं, हमारे कुछ नहीं हुआ। बोले तेरे को फोर्थ वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले दो प्यार से तीन प्यार हो जाएगी। फिर डंडे लेकर चढ़ना शुरू करोगे, फिर डंडे पकड़ करके चलोगे। कहते भगवान की एक एक वार्निंग है। कहते भैया फिफ्थ वार्निंग फिर नहीं दूंगा, फिर तो राम नाम सत्य है। इसलिए भगवान स्वयं कहते माँ समय रहते रहते हमें भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए, जवानी में कर लेनी चाहिए, बुढ़ापा में नहीं। मना करते क्यों? बुढ़ापा में भजन होना बड़ा कठिन है, जवानी रहते रहते भगवान की भक्ति कर लो। बोले माँ अगर जी भक्ति नहीं करता है मरने का बाद, आप लोग एक गरुड़ पुराण सुनते हैं, कौन कौन गरुड़ पुराण सुने हो हाथ उठाओ तो। मरने का बाद आप देखना सारे डिटेल से वहां पर लिखा हुआ। कहते 13 दिन बाद में वो शुद्ध क्रिया होती है। बोले 13 दिन बाद में क्यों होती है? उसको एक बैतरणी नदी पार करना पड़ता है जिसमें ताटी पेशाब खून पी और ऊपर से कोड़े पड़ता है। इसलिए कभी कभी देखना जो बड़ी कष्ट सह करके मरे, कहते भैया उसको नाम पर गैया दान दे दो, ये गैया की पूछ पकड़ करके जल्दी जल्दी पार हो जाएगी, बोलते हैं ना। इसलिए कहते उसको 13 दिन लग जाती है ये बैतरणी नदी को पार करने के लिए, कोड़े मार मार करके, तभी 13 दिन के बाद में ये शुद्धि क्रिया होती है। बोले भैया इसको बैतरणी नदी किसको पार करना पड़ता है? बोले जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भगवान की भजन नहीं करते हैं उनको ही ये बैतरणी नदी पार करना पड़ता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं ना उनके लिए तो गोलोक वृंदावन से विमान आता है, रथ आता है, रथ में बैठ करके वो ठाकुर जी के पास में जाते हैं। इसलिए समय रहते हमें भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। लेकिन कोई भक्ति करते कि नहीं करते उसका क्या लक्षण को तो होनी चाहिए ना। इसलिए जब महाराज जब जमदूत को बोले, बोले भैया जो भक्ति नहीं करते हैं उनको पकड़ पकड़ कर ले आना। बोले हमें कैसे पता चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता है, कुछ तो लक्षण बता दो। बोले उनको शरीर में तीन लक्षण होगा, तीन लक्षण से पता चल जाएगा ये भक्ति करता है। देखो ये श्लोक है, बोले ललाटे तिलकम नास्ती कंठ नास्ती त्रिकंठिका हृदय नास्ती गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। जब महाराज कह रहे बोले तीन लक्षण, जैसे एक सधवा, पता कैसे चलता है सधवा है? मांग भरती है, सिंदूर लगाती है, नाक में बेसर पहनती है, गले में मंगल सूत्र है, इससे पता चल जाता है भैया ये सधवा है, इससे पता चलता है ये सधवा है। कहते जैसे ये सधवा के लिए ये लक्षण है, कहते उसी तरह जो भगवान की भक्ति करते हैं क्या लक्षण है? बोले पहला लक्षण है, एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे आप विदेश जाना चाहते हो, अमेरिका लंदन फ्रांस कहीं भी जाना चाहते हो, आपके पास में तीन चीज होनी चाहिए तभी आप जा सकते हो। आप बताओ तो तीन चीज क्या होनी चाहिए? बोले जोर से, पहला नंबर पासपोर्ट होनी चाहिए, दूसरा नंबर में वीजा होनी चाहिए, तीसरा नंबर में टिकट होनी चाहिए। देखो ये साधारण दुनिया में अगर एक देश से दूसरे देश जाना चाहते हो आपके पास में ये तीन चीज होनी चाहिए तभी जा सकते हो। अगर हम ठाकुर जी को पास में जाना चाहते हैं, ये स्वयं जम महाराज कह रहे हैं,
उनको पास में ये तीन चीज जरूर होनी चाहिए। पहला चीज है पासपोर्ट। बोले ये पासपोर्ट क्या है? बोले गले में जरूर तुलसी की कंठी हो, ये जरूर होनी चाहिए, केवल त्रिकंठी का। हाँ, इसलिए जब हमारे बड़े गुरुजी जो इसको ने स्थापन किया ना, जब उन्होंने अमेरिका गए तो उन्होंने भक्ति को प्रचार की, बोले गले में तुलसी कंठी पहनो। बोले लकड़ी क्यों पहनेंगे, हमारे पास में सोने चांदी, ये लकड़ी गले में क्यों डालेंगे? तो उन्होंने हमारी वेद पुराण से श्लोक को उठा उठा करके उन्होंने बताया, देखो ये तुलसी वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं है, इसमें बहुत सारी मेडिसिन। तब उन्होंने रिसर्च किया है अमेरिका में, ये भारतीय लोग है कि पेड़ पूजा क्यों करते हैं, पेड़ की परिक्रमा करते हैं, उसके आरती उतारते हैं, पेड़ को क्यों पूजा करते हैं। उन्होंने रिसर्च करके देखा पृथ्वी के सबसे ज्यादा मेडिसिन कोई है तो तुलसी वृक्ष। अब मेडिसिन शॉप से एक दवा को ढूंढना, उसका नाम तुलसी पावर, अब ढूंढ लेना, एक पेपर मिलेगा उसको, इतना बड़ा पेपर उसको पढ़ कर देखिएगा, बोले 200 तरह का जो बीमारी को प्रतिषेध को जो मेडिसिन है तुलसी वृक्ष में, कहते दो कई तुलसी पत्ता रोज खाए ना, कभी इसको टीबी कैंसर, कभी हार्ट अटैक नहीं होगी, इतने महत्व ये तुलसी वृक्ष में। इसलिए अगर गले में अगर तुलसी कंठी हमारी है, जब हम स्नान करते हैं इसको टच करते हुए जब शरीर में जाती है, बहुत सारी बीमारी को अपने आप ये निकाल देती है। अब लोग तो भारतीय है, देखना ये तुलसी को साथ में सालग्राम की शादी होती है, क्योंकि ये तुलसी लक्ष्मी है, गले में अगर तुलसी कंठी तो गले में कौन हो गए, माँ लक्ष्मी की निवास हो गई। भगवान जब ये दुनिया छोड़ कर गए अपने आप कहाँ रख करके गए, बोले तुलसी वृक्ष में। हम कहते ना वृंदावन चलो, बोले बांके बिहारी, बोले वृंदावन मतलब क्या, बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब जहाँ तुलसी का वन, वहीं पर ठाकुर जी। अगर गले में कंठी है ना आपके पास, गले में लक्ष्मी नारायण हो गए, लक्ष्मी नारायण की निवास होगी गले में, इतने महत्व, और सारे मेडिसिन वहां पर आ गए। हाँ, इसलिए अभी प्रश्न है हम ये गले में क्यों धारण करते हैं, देखो उसमें क्या साइंटिफिकल रीजन है, इसको गले में क्यों धारण करते हैं। कहते शरीर का जो सबसे कोमल अंग ये कंठ है, किसी व्यक्ति को मारना हो, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, गला दबा दो राम नाम सत्य हो जाएगी। इसलिए जब अंदर में कोई भी गंदी चीज प्रवेश करता है कंठ से, इसलिए बच्चों को ताबीज कहाँ पहनाते हैं हम लोग, गले में पहनाते हैं, हैं? गले में पहनाती है। अगर गले में तुम्हारी तुलसी कंठी है ना, कद लक्ष्मी नारायण, और कोई भी गंदी चीज आपका शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, ये प्रोटेक्ट करता है, कोई भी गंदी चीज अंदर में आने ये कभी नहीं देगा, तुलसी में लक्ष्मी नारायण का निवास है। इसलिए हम गले में कंठी धारण करते हैं, जैसे ठाकुर जी को जो कुछ भोग लगाओ, देखना जब तक तुलसी दल नहीं देते हैं ना ठाकुर को भोग, उसी तरह ये शरीर पंच रचित, ये अधम शरीर है, टाटी पैसा का थाली और कुछ नहीं, लेकिन जब हम कर लेते हैं जैसे ठाकुर को ये समर्पित हो गया, जैसे तुलसी पत्ता देने पर ठाकुर जी ग्रहण कर लेते हैं, जो गले में कंठी या बास, आज से तुम बांके बिहार के बन गए हो, भगवान की तुम बन गए हो। और जब महाराज और बढ़िया, बोले पता कैसे चलेगा भक्ति करता कि नहीं, बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं, कितने तरह के, कितने तरह के, एक पालतू और एक फालतू। अब देखना जो पालतू कुत्ते हैं गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है कि किसी घर की कुत्ते हैं, और जो फालतू कुत्ते होते हैं बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं। देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं, अगर हम गले हम किसकी पालतू, हम किसके पालतू हो गए, बांके बिहारी के पालतू हो गए, ठाकुर जी के पालतू हो गए। इसलिए किसको फालतू नहीं बननी चाहिए, उसको क्या बननी चाहिए, ठाकुर जी की पालतू बननी चाहिए, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर ये तो हो गया तुम्हारी पासपोर्ट, उसके बाद में भीजा, बोले भीजा क्या है, बोले ये तिलक है। देखो ये जो तिलक है ना, अब लोग तो हिंदू है, जैसे कोई बिजनेस के लिए जा रहा है, अच्छे कोई काम के लिए, हम क्या करते तिलक लगा कर बेचते, बेटा जा तेरी काम बन जाए। घर में जब ब्राह्मण पूजा कराने आएगा, देखना जब तक वो तिलक आपको नहीं लगा देगा ना, तब तक वो पूजा ही नहीं करेगा, पहले तिलक लगा करके पूजा करेगा, क्योंकि तिलक के बगैर जो पूजा है ना वो निष्फल हो जाता है। इसलिए पुराण में एक श्लोक आया, बोले जो तिलक लगा करके जो ठाकुर को सेवा पूजा करते हैं, तिलक लगा करके
बगैर तिलक के पूजा करने पर जो आपको फल मिलेगा, जो तिलक लगा करके पूजा करता है उसको हजार होती है, जो तिलक लगा करके पूजा करेगा। और ये जो तिलक है ना, ये गोपी चंदन है, ये साधारण जगह से नहीं, ये द्वारका से आता है। नारद जी ब्रज से ये गोपियों की चरण धूलि को लेकर के द्वारका में गए थे, वहां पर ठाकुर जी को स्नान कराया गया था, वहीं से ये मिट्टी आती है। ये मिट्टी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। अब लोग कोई द्वारका गए हो, कौन कौन द्वारका गए, हाथ उठाओ तो। अब लोग जब गए, आप देखे होंगे वहां पर गोपी तालाब है, वहीं से ये मिट्टी आती है, पवित्र रज है। इसलिए आप देखना बांके बिहारी को देखो, पीछे ठाकुर जी है ना, देखो ठाकुर जी की तिलक है। आप भगवान राम को देखो, तिलक है। भगवान नारायण को देखो, उनको आधा मुंह तो तिलक में भरा हुआ होगा, देखोगे। हनुमान जी को देखो, तिलक है। गणेश जी को, इंद्र चंद्र वायु वरुण ब्रह्मा, अब किसी भी देवता को आप देखोगे ना, कोई भी ठाकुर भी तिलक के बगैर नहीं रहते हैं। ठाकुर भी ये तिलक को धारण करते हैं। इसलिए ये तिलक साधारण वस्तु नहीं, इसलिए जरूर हमें तिलक लगानी चाहिए। और जो तीसरा चीज है, कहते टिकट। टिकट कौन है, बोले भगवान का नाम ही यही टिकट है, क्योंकि अंतिम समय में यही हमारी काम करने वाले। इसलिए एक बार सबके सब हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोले बाकी लाल की तेरे नाम की ओरी चुनरिया, मैं तो ना चुमी चुमी माँ, जब से तेरे नाम की ये चुनर ओढ़ी है, तब से लोग लाज सारी मैंने इस जग की खोई है। कि तेरे नाम की ओड़ी चुनरिया, मैं तो ना चुनी चुमार में, ऐसी हालत हो गई सांगरिया की प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांगरिया की प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांगरिया की प्यार में, मोहन मोहन
ऐसी हालत चाहिए मेरी अमरिया की प्यार में ऐसी हालत चाहिए मेरी मेरी नाम की जोड़ी चुनरिया मैं तो ना चाहिए कि बनवार में ऐसी हालत चाहिए मेरी अमरिया की प्यार में और हाथ बताएंगे
वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री सुखदेव गोस्वामी नरक का वर्णन किए, जैसे जैसे जीव कर्म करते हैं वो कर्म के अनुरूप कैसे जीव को फल मिलता है और सारे कर्म का जो लेखा जोखा श्री चित्रगुप्त करता है। चित्रगुप्त मतलब क्या है? चित्र मतलब होता है फोटो लेना, गुप्त मतलब छुपा करके। अगर कोई सोचे 10 मंजिल ऊपर में मैं घर चारी तरफ में दरवाजा बंद करके कुछ कर रहा हूँ, थोड़ी कोई देख रहा है। कद 3 में अगर कोई कर्म करते हैं उसको साखी ये सूरज है, क्योंकि सूरज का किरण सब जगह में, आप कुछ भी सूरज को ठग नहीं सकते हो। रात को अगर कोई काम करते हैं उसका साखी चंद्रमा, भाई ये रात और ये 10 दिशाएं। इसलिए मृत्यु के बाद में ये सारे कापी खोलता है, हमने कौन सा क्या क्या हमने कर्म करे। इसलिए देखना एक पिता की 4 बच्चे हैं, इनके स्वभाव नेचर देखना सबके सब अलग है। कारण क्या है? जन्म तो हमने दिया, कर्म वो अपना लेकर के आया। थोड़ी सी भी इधर उधर कर्म का फल थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं होता है, हैं? इसलिए उन्होंने 84 नरक की वर्णना की। जो मांस मछली खाते हैं कैसे उनको जिंदा जिंदा कर्क में काटते हैं, जो उनको तेल में भूनते हैं उनको भी जैसे पकौड़े बनाते हैं ना, उनको भी ऐसे पकड़ो जैसे गर्म हुए तेल में डाल देते हैं। जो व्यक्ति आंखों में उल्टा पुल्टा गंदी गंदी चीज देखे उसकी आंख को निकाल देते हैं। इसलिए हाथों में जो हेर फेर करते हैं उनको हाथ को काट देते हैं। कभी कभी तो इसी दुनिया में ही दिखता है। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, जहाँ इमरजेंसी हॉस्पिटल देखना, यहाँ पर तो हम नर्क में आ गए हैं, नर्क में आ गए हैं। इसलिए जब उन्होंने ये नर्क का वर्णन कर रहे थे, और जो शराब पीते हैं लोहे गला करके उसको मुंह में डालते हैं, जब उन्होंने ये नर्क का वर्णन कर रहे थे, परीक्षित महाराज देख करके घबरा गए, सुन करके घबरा गए। बोले महाराज जी इससे क्या कोई मुक्ति नहीं मिलेगी? बोले मुक्ति मिलेगी, शास्त्र में बताया अगर हमने ये कर्म किया, ये पुण्य कर्म, ये प्रायश्चित ये करो, तब ये पाप कर्म से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति की भी उसका भी उपाय है। लेकिन इसको सुन करके तब परीक्षित महाराज बोले मेरे मन को संतोष नहीं मिला, क्योंकि देखना कभी कभी घी में चर्बी बना दे मिला दे, नहीं तो उल्टा पुल्टा किसी कंकड़ चावल में मिला दे। लेकिन क्या करते हैं, जा करके सेठ लोग कुछ कबूतर को कुछ इधर उधर को भंडारा खिला दिया, फिर घर में आकर दोबारा वही फिर पाप कर्म करते हैं। लेकिन उसका वृत्ति नष्ट नहीं होता है, उसका वृत्ति नष्ट नहीं होता है। तो उन्होंने पूछे ऐसे क्या कोई कर्म है जो अंदर से ही उसकी भावना बदल जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए, ऐसे कोई उपाय है? बोले हाँ ऐसे भी उपाय है। बोले वो उपाय बताओ ना। बोले केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणम अग्नम धुन्नति क्राश्नेना निहार इव भास्कर। तो उन्होंने उदाहरण दिए भगवान के नाम कीर्तन से, भगवान की भक्ति से ही ये हृदय केवल प्रभु का प्रेम से परिवर्तन होगा। जब तक आपको कोई हायर टेस्ट नहीं मिले ना, आप लोअर टेस्ट का भी छोड़ ही नहीं सकते हो। उदाहरण दिया जैसे सूरज उदय होने पर अपने आप ये कोहरा अपने आप दूर हो जाता है, उसी तरह हृदय में जब भक्ति रूपी सूरज का जब उदय होगा, हृदय की अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने ये अजामिल का कथा सुनाई। एक अजामिल नाम एक ब्राह्मण सदगुण संपन्न, पिता माता की सेवा करने वाले, सारे सदगुण संपन्न थे, घर में शादी हुई, पत्नी भी ब्राह्मणी है। एक दिन उन्होंने गए जंगल में यज्ञ के लिए कुछ सामग्री लेने के लिए। उन्होंने देखा एक शूद्र और एक शूद्राणी दोनों शराब पी कर रखे और विवस्त्र अवस्था में दोनों मिल रहे हैं। इतने में वो तो देखते ही रह गया। जैसे उसके हृदय में एक फोटो खींच गई। जब ये वापस आया ना, घर सुंदरी पत्नी ब्राह्मणी है लेकिन अपना ब्राह्मणी को त्याग दी, वो बेसिया शूद्राणी के पास में चला गया और धीरे धीरे घर का सारे संपत्ति लेकर के धीरे धीरे वो शूद्राणी को दिया। एक दिन अपना पत्नी को छोड़ करके वो रहने लगा। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं,
भैया ये गंदी गंदी मूवी फिल्म नहीं देखनी चाहिए। कभी अजामिल जैसे व्यक्ति इतने सदगुण संपन्न ब्राह्मण घर में जन्म हुए, उसने एक बार ये गंदी चीज को देखा, उसका हृदय बदल गया, उसका हृदय। इसलिए जगत में ये डाइवोर्स भाई से दुनिया सब इसे बखड़ा क्यों हो रही है, कारण यही है, जब कोई गंदी चीज को देखो ना वो हृदय में फटो खिंच जाती है। फिर तो गंदा काम करने के लिए प्रवृत्ति हमारी आ जाती है, है? प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। इसलिए अभी उन्होंने ब्राह्मणी को त्याग, रुद्राणी को साथ में रहे, उसकी हाथ कुमेर को उन्होंने भोजन की। अभी उनसे 10 बच्चे हुए, लेकिन किसी तरह से जो छोटा बेटा था उसका नाम उसने नारायण दिया। अभी छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। अभी बात बात पर बेटा नारायण मेरे लिए पानी ले आ, नारायण मेरे लिए भोजन ले आ, बेटा नारायण मेरे गोद में आ जा। अभी बात बात में नारायण 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 बोलता है। अभी उसकी मृत्यु का समय आया तो हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य से करते हैं, इसलिए 3 जमदूत उसको लेने के लिए आए। जब 3 जमदूत आए, इतने में उनकी भयंकर रूप को देख करके जब ने काल भास को गले में लगाए, खेचना शुरू की उसके प्राण को, उसी समय उसने अपना बेटे को दूर में देख करके बोले बेटा नारायण, ये 4 अक्षर नारायण। इतने में बुलाया तो बेटे को, लेकिन दूसरे तरफ में 4 विष्णु दूत झट प्रकट हो गए, बोले माँ भय डरने का कोई बात नहीं, हम तुम्हें रक्षा करने वाले। इतने विष्णु दूत जमदूत को कहते तुम लोग है कौन, बोले हम धर्म राजा का दूत है। बोले धर्म का नाम पर इतना अधर्म कैसे कर रहे हो, ये अजामिल वैष्णव को कैसे ले जा रहे हो। वो कहते वैष्णव है। बोले आपको पता है ये क्या क्या कर्म किया, अपना पत्नी को त्याग दी, वेश्या को साथ में रहा, उसकी हाथ में अमेध्य कुमेर दिखाया, 10 बच्चे हुए, उनको भरण पोषण करने के लिए डाकू गुंडागर्दी चोरी हर तरह का उसने पाप किया, वो सीधा नरक जाएगा। पर विष्णु दूत ने कहा भैया उसने कुछ सत्कर्म भी तो कुछ किया है। बोले क्या किया, बोले अभी जो नारायण नाम लिया। बोले वाह, जिंदगी भर पाप करो और मरते समय एक बार राम बोल तो हो जाएगा, एक बार राम बोलने से हो जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात कहते हैं विष्णु दूत ने कहा थे, जब उसने बेटा का नाम नारायण रख लिया था ना, उसने सारे पाप उसकी खत्म हो गए थे। लेकिन जब उसने बेटे को जितना बार बुलाया उतना बार नारायण 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 नाम बुलाया, जैसे हम माला जप करते हैं ना, वो हो गया उनका माला जप है। लेकिन अंतिम समय में उसने जो प्रभु का नाम लिया है, नारायण नाम लिया, ये विशेष सौभाग्य की बात है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले जनमा मोनी जाता ना कराए, जनमा जनमा मोनी जाता ना कराए, जनमा जनमा मोनी जाता ना कराए, जनमा जनमा मोनी जाता ना कराए। गोस्वामी तुलसीदास की जो प्यार गाया ना, बड़े रहस्य है। हम लोग तो हिंदी समझते हो, देखो उन्होंने क्या बताया, ध्यान देकर सुनो। इसमें 2 अर्थ होता है। कोई कोई कहते ना, अरे अभी से क्या भजन करेंगे, अभी क्या बूढ़े हो गए, भजन तो हम रिटायर्ड लाइफ में करेंगे, अभी तो बच्चों को लालन पालन करो बड़ा बनाओ, क्योंकि शादी शुदा देख रही, जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा ना तब राम राम कृष्ण कृष्ण थोड़ा कर लेंगे। ये बात प्रहलाद महाराज जब बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, बच्चों भगवान की भक्ति 5 साल उम्र से करो, कौमार आचरते प्राज्ञम, जो बुद्धिमान है वो 5 साल से भक्ति शुरू करते हैं। तब ये बच्चे यही प्रश्न कर रहे, बोले प्रहलाद हमने सुना क्या रिटायर्ड लाइफ में भजन करते हैं। तो प्रहलाद महाराज बोले नहीं, कौमार आचरित प्राज्ञम भक्ति 5 साल से करनी चाहिए।
बच्चों ने बोले 5 साल से क्यों, जब बड़ी हो जाएगी करेंगे। प्रहलाद ने कहा आपके पास में कोई गारंटी कार्ड है? अब न्यूज पेपर पढ़ो, कुछ दिन पहले दिल्ली में आग लगी ना, कितने लोग मरे, आप देखो कितने एक्सीडेंट, रोज न्यूज पेपर कहीं ना कहीं लोग मर रहे हैं। चलते चलते बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गया, वहीं पर खत्म हो जाते हैं। इसलिए प्रहलाद कहते तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है? किसको पास में कोई है हम इतना दिन जिंदा रहेंगे? बोले अगर नहीं होगा तो अगले जीवन में भक्ति करेंगे। बोले दुर्लभ मनुष्य जन्म, बोले बच्चों ये मानव शरीर बारंबार नहीं मिलता है, ये तो लात 84 ब्रह्म के नरत अनुदेही, ये तो 84 लक्ष जोने के बाद में ये मानव शरीर मिला। भगवान राम कहते हैं देत ईस बिनो है तो सनई, तो ये चीज को समझो, ये भगवान राम कह रहे हैं अयोध्या वासियों को, बोले देत ईस बिनो है तो सनई। अगर कोई बोले हमने बढ़िया कर्म किया है ना, इसलिए ठाकुर जी मानव शरीर दिए, ठाकुर जी कहते तुम्हारी कर्म से नहीं मिले। मेरे तरफ में देखो ये एक ग्लास पानी है, ये एक ग्लास पानी को अंदर में इतने बैक्टीरिया हैं, पृथ्वी में इतने इंसान तक भी नहीं। आप ये चीज को मानते कि नहीं, बोलो मानते कि नहीं, एक ग्लास पानी में इतने बैक्टीरिया जीव है, पृथ्वी में इतने इंसान नहीं। उसी हिसाब से देखो कितने इंसान है, एक शरीर सड़ गल जाए कितने कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए बोले प्रार्थी वही रिह जनता, जैसे धूल कणा को नहीं गिन सकते हो, वो जीव को भी नहीं गिन सकते, भागवत में बताए हैं, भागवत में बताए। इसलिए कहते तेत ईस बिनो है तुसे नहीं, ठाकुर तो कैसे दया करके तुम्हें इंसान दे दिया, कोई कर्म से तुम्हें नहीं मिले, कैसे तुमको। आप लोग अगर साइंस से पढ़े होंगे, जब मातृ जब पति पत्नी का मिलन होता है, कहते जो जो रेत जो बीर्ज्य है, एक बीर्ज्य में करोड़ों करोड़ जीव है, अंदर में जाकर के संघर्ष होता है, युद्ध होता है, युद्ध होते होते किसी तरह से एक जीव उसमें जीवित रहता है, किसी तरह से एक जीव कैसे जन्म ग्रहण करता है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं भैया दुर्लभम मनुष्य जन्मम, ये मानव शरीर तुम्हें बारंबार नहीं मिलेगा, ये तो किसी भाग्य से ठाकुर जी तुम्हें ये मानव शरीर तुमको दे दिया। इसलिए हे बच्चों भगवान की भक्ति बचपन से करो। तब उन्होंने उदाहरण दिया हमें ये बचपन से क्यों करनी चाहिए, ये रिटायर्ड लाइफ में क्यों नहीं। प्रहलाद कहते हैं भैया ये बताओ सरकार तुम्हें रिटायर क्यों करता है, जब देखता है ये और 8-10 घंटा बैठ करके ये काम नहीं कर सकता है। बोले भैया घर में जाओ, हो गया तुम्हारी जो होना है ना हो गया, अभी घर में वापस जाओ तुम है। जब साधारण काम से तुमको रिटायर कर दिया फिर भक्ति कैसे करोगे। फिर उन्होंने उदाहरण देते हैं जैसे मिट्टी जब कच्चा होना, देखना कच्चा मिट्टी में जो कुछ बनाना बना सकते हो, लेकिन मिट्टी जब पक जाती है फिर उससे कोई चीज नहीं बनेगी। बांस जब कच्चा हो आप उसको टेढ़े कर सकते हो, लेकिन बांस जब पक जाती है उसको टेढ़ा नहीं, वो टूट गया लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। कागज जब कोरे कागज हो, कोरे कागज ऊपर में लिख सकते हो, लेकिन कागज के ऊपर में एक बार लिख दो दोबारा लिख नहीं सकते हो। पौधा जब छोटा हो, एक जगह से उठा करके दूसरे जगह में जमा हो तो जम जाएगी, लेकिन उसका जड़ जब ज्यादा नीचे चले जाएगा ना, वो उखाड़ करके लगाओ फिर तो भैया वो जमेगी नहीं, फिर है वो नहीं जमेगी। इसलिए प्रहलाद ने कहा बच्चों भक्ति 5 साल उम्र से करो। जैसे देखो आप लोग देखो भजन करने के लिए 10 मिनट बैठो, आज हम 10 मिनट ठाकुर जी को याद करेंगे, आप देख लेना 1 मिनट भी मन भजन में नहीं लगेगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगी। क्यों? रील में जो भरा हुआ ना वही तो निकलेगा है ना, जिंदगी भर रील में तो कचड़े भर दिए, फिर तो भगवान के भजन कैसे निकलेगा। वो आंख बंद करते बेटा बेटी नाती पोती ठाकुर को सिवाय सारा दुनिया दिखेगा, लेकिन ठाकुर ही नहीं दिखेगा। क्यों? जो चीज हम बचपन से, किसी बच्चे को कोई बोलो कोई याद करने के लिए झट याद कर लेगा, किसी बड़े बूढ़े को बोलो याद करने के लिए वो याद कर ही नहीं सकता है। क्यों? बांस पक गई है और पक गई, लेकिन अगर बचपन से अगर हमारी भक्ति करने का आदत रहता ना, फिर तो लास्ट का उम्र में वही चीज याद आएगी। इसलिए प्रहलाद कहते बच्चों भक्ति बचपन से शुरू करो, बचपन से अगर ये चीज को आदत डालोगे वो अंतिम समय में प्रभु का नाम निकलेगा। इसलिए कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराए, कहते जब मुनि ये जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं, अंतराम कहीं आवतने तभी अंतिम समय में प्रभु का नाम नहीं निकलती है, नहीं निकलती। मैंने पहले बताया था ना
एक माता जी अंतिम सज्जा में लेट हुई, तैयारे मैयारे कर रही थी, उसको बच्चे बोल रहे थे मैया एक बार राम राम राधे राधे बोलो, लेकिन बोल रहे तू बेटे को ये दे देना, बेटी को हर साल में कपड़ा लता देना। बोल बच्चे बोले माता जी तुम चिंता मत करो, सारे काम हम कर लेंगे, एक बार राम राम राधे राधे तो बोलो। बोले देखो हमसे इतना बोला नहीं जाता, हमसे इतना बोला, बार अक्षर तो बोल दिए लेकिन दो अक्षर राधे राधे राम राम नहीं निकला। लेकिन उसको पोतों ने, नाती पोते बड़े चालाक थे, सोच रहे थे दादी के मुंह से किसी तरह से उनका नाम निकले। बोले दादी ये बताओ तेरे से क्या नहीं बोला जाता। वो सोच रहे थे कम से कम बोलेंगे राधे राधे राम नाम नहीं निकलता। बोले तू जो बुलवाना चाहते ना मैं वही नहीं बोल सकता। इसलिए यहाँ कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतिम समय में तब भी प्रभु का नाम नहीं आता है। और विषय जिंदगी भर विषय भोग करते करते बोले के बुढ़ापा में भजन करते कितना आसानी है, लेकिन शास्त्र कहता है कल्याण हो सकती है, इसलिए हो सकता है। इसलिए देखो 50 के बाद में आता है 51 52, मतलब 50 साल के बाद में घर में नहीं वृंदावन जाओ भजन करने की, 51 52, नहीं तो भोग के साथ में लड़ाई होगी। इसलिए अगर नहीं जा पाए, देखो इसका अंक क्या आता है 68 60 61 62, सठ मतलब सठिया बन जाओगे फिर तुमसे कुछ नहीं होगा, फिर सठिया बन जाओगे बांस पक गया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं हमारी कल्याण हो सकती है, वो कहते हैं उसके बाद 69 70 71 73 मतलब यह भाई तर सकते हो। बोले सठ सुधरे सत संगत पाई, हाँ हम तर सकते हैं अगर भाग्य से हमें कोई शुद्ध कोई साधु मिल जाए, शुद्ध कोई संत अगर मिल जाए हमें भाग्य से, संतों की संग अगर मिल जाए ना हमारी कल्याण ठाकुर जी कर देंगे। इसलिए कहते जन्म जन्म, देखो एक अर्थ हो गया जतन करने पर भी अंतिम नाम नहीं आता, दूसरा अर्थ देखो बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं फिर क्या होता है अंतराम कही, तभी जाकर के अंतिम समय में प्रभु का राम निकलेगा। और अंतराम कही फिर आवत नहीं, फिर संसार में दोबारा वो नहीं आता है। इसलिए भक्ति बचपन से आदत करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग बोलो मैं सुनूंगा जोर से जितना ताकत लगा रहे। देखो आप लोग तो एक बार नाम करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर कितने भक्त बैठे हुए 200 250 भक्त बैठे हुए, एक बार तो नाम करते हो लेकिन एक बार करने पर आपको 250 नाम लेने का फल मिल जाएगा, क्योंकि सब लोग हरि नाम करते हैं, सबका आवाज सबके कान में जाते हैं। एक बार तो बोलोगे लेकिन 250 माला करने का आपको फल मिल जाती है एक बार प्रभु का नाम लेते ही। देखो चित्रगुप्त तो ना सारे फोटो ले रहा है, आपको सारे जब ऊपर जाओगे ना सारे जब कापी खुलेगा पता चलेगा भैया भागवत कथा में अपने बैठ करके भागवत कथा सुनी है ठाकुर जी कथा सुनी। इसलिए यहाँ पर ये विष्णु दूत कह रहे हैं बोले देखो इसने जब ठाकुर का नाम रखा है तब इसकी उद्धार हो गया, लेकिन जब बारंबार ठाकुर बेटा का नाम लिया ये हो गया प्राटी से हो गया, लेकिन जब अंतिम समय में जो नाम लिया ये ठाकुर का कृपा। देखो फिर जमदूत क्या कहते हैं बोले ठाकुर का बुलाया गया उसने, बोले भगवान को बुलाया गया उसने तो अपने बेटे को बुलाया नारायण, वो ठाकुर को थोड़ी बुलाया था वो तो बेटे को बुलाए। देखो जमदूत क्या विष्णुदूत क्या कहते हैं बोले ये भगवान का जो नाम ये चार ही तरह से कल्याण करता है। बोले सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन नवेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विभु। बोले चार तरह से कल्याण, पहला नंबर है सांकेत्यम, सांकेत्यम का मतलब होता है जैसे कि बेटा का नाम कृष्ण रख दिया, बेटा का नाम नारायण रख लिया, गोपाल रख दिया, जब बच्चों को जैसे बार बार बुलाते हैं बेटा गोपाल बेटा राम इधर आ जा ना, इसको कहते हैं सांकेत्यम। कहते संकेत करके भी प्रभु का नाम लो इसमें भी कल्याण होती है।
इसलिए आप देखना पहले पहले जितने बड़े गुरुओं का नाम पूछो, कृष्णा, गोविंदा, दामोदर, बांके बिहारी, माताओं को पूछो लक्ष्मी, सीता, गीता, लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछो टुल्लू, बुल्लू, टिंकी, पिंकी, जितने विदेश में जो कुत्ते हैं ना, सब कुत्तों का नाम बच्चों का नाम धरवाते हैं। कहता अरे सब पुराना नाम था, कृष्णा गोपाल सब पुराना नाम था, हैं? हम तो बच्चों का नाम कुत्तों का नाम धरवाया करेंगे? भगवान का नाम लेंगे तो कल्याण नहीं हो जाएगा हमें? नहीं भैया, आप लोग वृंदावन कभी गए हो? वहां पर इस्कॉन मंदिर में जाना, देखना छोटे छोटे बच्चों को, देखना बच्चों को पूछ कर देखना क्या नाम है, कृष्णा, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, गोपाल, कहां अंग्रेजी लोग हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं, वो नफरत होकर के विदेशी संस्कृत से, लेकिन हम लोग अंग्रेजी का खान पान रहन सहन हम उसको नकल कर रहे हैं। अभी मैं रसिया जाऊंगा इसको बाद में, वहां की लड़कियां सरकार से लड़ रहे हैं, जानते हो क्यों लड़ रहे हैं? कहते हम ये साड़ी पहन करके कॉलेज क्यों नहीं जाएंगे, वहां की लड़कियां लड़ रहे सरकार से, लेकिन भारत में कहते हम जीन्स पहन करके क्यों नहीं जाएंगे, वो हमारी संस्कृति को लेने के लिए कोशिश कर रहे, और हम लोग उनकी संस्कृति को, एक इंडोनेशिया एक वहां पर हमारे भारत से ये संतों को बुलाकर ले जाते हैं, बोले हमारी यहाँ पर रामायण सुनाओ, क्यों रामायण सुनाएंगे, हमारा बेटी बहू सती बन करके रहेगी, पिता माता को आदर देंगे, गुरुजन को प्रणाम करेंगे, भगवान की रामलीला सुनो तो आपका राम राज्य बन जाएगा, घर अयोध्या बन जाएगी। इसलिए भैया बच्चों का नाम कुत्तों का नाम नहीं धरवाना, बच्चों का नाम भगवान के नाम धराओ, कम से कम इसी बहाना से जितना बार बच्चों को बुलाओगे कृष्णा गोविंद का नाम निकलेगा, बच्चे सुनेगा उसका भी कल्याण, जिस घर में प्रभु का नाम गूंजे ना, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी, आप स्वयं देखोगे जितना बार घर में ठाकुर का नाम गूंजेगी घर का सारे अमंगल दूर हो जाएगा, ठीक है? इसलिए कोशिश करो बच्चों का सबके सब भगवान की नाम को देने के लिए। इतने में विष्णु दूतों ने जम वहां के जम दूत को मार मार कर भगा दिए, उनको बचा दिया, अजामिल ने वो मरने जा रहा था ना, वो मरा नहीं ठाकुर की कृपा से, तो विष्णु दूत बचा दिया, और ये सब डिस्कशन को सुन रहा था कि क्या कर रहे हैं, बोले भैया मैंने बेटे को नाम नारायण लिया, भगवान को नहीं बेटा का नाम नारायण लिया, पता नहीं कहां से विष्णु दूत आ गए कि जमदूत मेरे को मार मार के ले जा रहे थे, बचा लिए। फिर उन्होंने हरिद्वार में गए, फिर वहां पर भजन साधन किया, जब उसकी भजन साधन की पूर्ति हो गई, फिर वैकुंठ से विमान आया, फिर वही चार विष्णु दूत आए, बोले रथ में बैठो चलो वैकुंठ चलो। तब उन्होंने एक प्रश्न किया, बोले मेरे प्रश्न का उत्तर दो पहले, बोले बताओ, पहले पहला बार जब तुम लोग आए थे मैंने आपको प्रणाम करने के लिए जा रहा था, लेकिन आप मेरे प्रणाम को स्वीकार नहीं किया, मेरे से बात भी नहीं की, लेकिन अभी मेरे बात कर रहे हो, प्रणाम भी स्वीकार कर रहे हो, बोले वैकुंठ चलो ऐसे क्यों? बोले पहले जब तुमने नाम लिया था पहले मेरे जो पाप कर्म की वो पाप नष्ट हो गया था, लेकिन अभी तुम्हारी हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट नहीं हुआ था, केवल तुम्हारी पाप ही नष्ट हुआ था, इसलिए हम सबको साथ में बात नहीं करते हैं। अभी तुमने हरिद्वार में भजन करते करते श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्त, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, प्रेम, अभी कृष्ण प्रति तुम्हारे प्रेम प्रकट हुआ है, इसलिए हम तुमसे बात कर रहे हैं। फिर उनको बैठा करके उन्होंने ले गए वैकुंठ ले गए, इसलिए बच्चों का नाम ठाकुर का नाम धरा कर, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ देखो हमारे बीच में एक बच्चा आया है, ये आपको थोड़ी सी भगवान की बार में, जैसे ये जो यंग जनरेशन है ये सबके सब साइंस के ऊपर ज्यादा ये लोग विश्वास करते हैं, हाँ साइंस को ज्यादा विश्वास, क्योंकि अभी साइंस का युग है, ये बच्चा कुछ साइंस के ऊपर बोलेगा, भक्ति में रिलेशन करते हुए हमारे भक्ति भी जल्दी दे दो, हमारे भक्ति भी एक साइंस ही है, अभी ये इसी विषय पर कुछ बोलेगा। ये सफ्टवेयर इंजीनियर है, इसकी तनख्वाह भी लाख रुपया इसकी है, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी उधर उधर जा उधर, लेकिन होते हुए भी कैसे ये भक्ति करते हैं देखो, इसको ललाट में तिलक है, गले में कंठी पहना हुआ, धोती पहना है, हैं इस चोटी भजन करता है, लेकिन अभी बच्चे थोड़ी सी अगर लिखे पढ़े सीख जाए ना, भक्ति भक्ति जिसका कोई काम धंधा नहीं, जो बेकूफ लोग वही सब हरे कृष्ण करते हैं वही सब करते हैं, इसलिए अभी का जो यंग जनरेशन है ये आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बात बताएंगे,
ये बोलो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं जना तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने आज्ञा दी है आप लोग को थोड़ी सी हरी कथा सुनाने के लिए। बोले माधव प्रिय प्रभु की जय। आ जाओ प्रभु प्रभु जी आ जाओ ऊपर में आ जाओ। बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
जीवन में जब साधु संग हो जाए ना, जीवन में जब संतों का दर्शन मिल जाए, बोले एक समय द्वारका में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रही थी। यज्ञ में स्वयं कृष्ण, बलदेव प्रभु, उनकी 16,008 पटरानियां, स्वयं देवकी वसुदेव भगवान स्वयं थे। वो यज्ञ का नाम था विश्व शांति महायज्ञ। विश्व में शांति कैसे हो, सुख कैसे हो, लेकिन नियम होता है अगर कोई यज्ञ प्रारंभ हो गई, जब तक उसकी पूर्णाहुति नहीं होना, बीच में बंद नहीं करनी चाहिए, नियम है। लेकिन ठीक बीच में देखा है कि ज्योति को उतरते हुए, बोले भैया ये ज्योति कहाँ से आ रहे हैं? देखते देखते नीचे आया तो देखा है कि इंसान, लेकिन जब नीचे आ गए ना, बोले वो इंसान नहीं, वो नारद जी है। बस श्री नारद जी भगवान देवकी वसुदेव खड़े हो गए, बोले यज्ञ बंद करो, यज्ञ बंद करो। क्यों? यज्ञ का जो फल है ये मूर्तिमान रूप में यहाँ प्रकट हो गए। मूर्तिमान रूप में जिस सिंहासन में स्वयं ठाकुर बैठते हैं, नारद जी को उसी सिंहासन में बैठा है। भगवान स्वयं वसुदेव महाराज चरण धोए, चरणामृत लिया, उनकी चरणामृत को संपूर्ण द्वारका में शांति जल रूप में छिड़काव करवाए और उनके चरण में बैठ करके बोले, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम वैकुंठ प्रिय दर्शन। एक में तो ये मानव शरीर दुर्लभ है, लेकिन उसमें ज्यादा दुर्लभ किया, पर दुर्लभम तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, उससे भी दुर्लभ है भगवान भक्तों को भागवत बैठ जा। इसलिए उससे भी दुर्लभ है अगर जीवन में सत्संग मिल गया, अगर हमें संतों का दर्शन मिल गया ना। शास्त्र कहता है सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत से बिना। जो लोग डायरेक्ट ठाकुर को पूजा सेवा करते हैं ना, ठाकुर कहते भैया मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता तो मेरे को पाओगे। भगवान खुद कहते हैं जो मेरी पूजा सेवा करता है मैं गारंटी नहीं दे सकता तो मेरे को पाओगे। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं लेकिन मेरे भक्तों का जो सेवा पूजा करता है, मेरे भक्तों को जो भक्ति करता है, कहते निसंशय चात्र, भगवत प्राप्ति में कोई शंका नहीं, जरूर तुम्हें ठाकुर जी को प्राप्त होएगा ही है। इसलिए आज समझो हमारी भाग्य जगह है, हमारे बीच में दो दो बड़े संत हमारे बीच में पधारे, अब इनके लिए जोरदार ताली बजा, स्वागत करें। अनिरुद्ध कहाँ गया? बैठ जाओ अनिरुद्ध, आ जाए आ जाए। अभी हमारे बीच में बच्चे थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, फिर दोनों महाराज आए हैं वो भी हमें सब आशीर्वाद है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पद्म पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत पूज्यपाद माधव प्रिया प्रभु जी के चरणों में मेरा
मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित पूज्यपाद शांत महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। उसके पश्चात नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपान गुरुवर्गो के चरणों में दंडवत प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने आज्ञा दी है थोड़ी सी हरिकथा सुनाने के लिए। मैंने जो भी गुरु वैष्णव के मुख से सुना है उसमें से कुछ आपको सुनाने का प्रयास करूंगा, कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। देखिए अभी जैसे मैं खुद भी जॉब करता हूँ, जैसे हम लोग जाते हैं, सब लोगों का ये मानना है कि जो भजन या ये भक्ति से जुड़ी कोई भी बात है या तो ये मनोकल्पित है, साधारण जो नॉर्मल हम जाते हैं ना सबका यही मानना है अक्सर आप देखोगे ना, या फिर जो लोग मानते भी है वो लोग भी केवल क्योंकि कुछ करना चाहिए इसलिए मानते हैं उसको, क्योंकि कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा इसलिए उसको मानते हैं। लेकिन मैंने खुद देखा, जैसे मैं ऑफिस में भी गया, स्कूल कॉलेज में भी, साधारण रूप में कोई भी गीता भागवत कोई भी पढ़ते नहीं, कोई भी पढ़ते नहीं। अभी जब बीच में थोड़े दिन पहले अभी हमने देखा जब राम मंदिर का जब उसमें जब डिसीजन आया कोर्ट का, तो सच सच बताओ सबको प्रसन्नता हुई कि नहीं हुई? कितने लोगों को प्रसन्नता हुई? हाँ तो ठीक हुई ना, बहुत प्रसन्नता हुई ना दिल को। लेकिन क्या हम दिल पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि क्या राम मंदिर बन जाने से सचमुच में राम राज्य आ जाएगा? राम राज्य आ जाएगा राम मंदिर बनने से? अगर राम मंदिर बनने से जो बच्चे जो पिता और पुत्र का संबंध है, क्या दशरथ महाराज और राम जी जैसा हो सकता है? क्या स्त्री सीता जी जैसे हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, आप खुद बताओ। सिर्फ राम मंदिर बनने से हो सकता है? जब तक रामायण की जो शिक्षा है, जो श्रीमद् भागवत जी की जो शिक्षा है, जो गीता की शिक्षा है, जब तक हम उसको हमारे जीवन में उतारेंगे नहीं, क्या सचमुच में हमारा आचरण शुद्ध हो सकता है? क्या सचमुच में राम राज्य आ सकता है बिना उस संस्कार को, उस आचरण को अपने जीवन में लाए? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये राम राज्य कब आएगा, कैसे संस्कार आएगा? देखो एक भजन है, मैं उसमें उसकी चार लाइन गाऊंगा, बड़ा सुंदर भजन है, उसको देखो सुनोगे ना तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि राम राज्य कब आ जाएगा। जब हमारी प्रभु के चरणों में प्रीति होगी, कब होगी? जब हमारे प्रभु के चरणों में प्रीति होगी, गुरु वैष्णव में श्रद्धा होगा, और क्या होगा? नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। और हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। जब ऐसा होगा ना स्वाभाविक रूप में राम राज्य आ जाएगा ना। इसीलिए जो रामायण की जो शिक्षा है, जो भागवत की शिक्षा है, वो हमारे बच्चों तक हमें पहुंचानी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बहुत मॉडर्न हो जाए, हम इतने मॉडर्न हो जाए कि ये संस्कार कहीं पीछे छूट जाए, और ऐसा हो ही रहा है। हम इतने मॉडर्न हो चले हैं कि संस्कार बहुत पीछे हो चुका है, इतना पीछे छूट गया कि सुबह उठ करके बच्चे माता पिता के चरण नहीं छूते। क्यों? क्योंकि हम मॉडर्न हो चुके हैं, बहुत मॉडर्न हो चुके हैं। लेकिन जब हम रामायण पढ़ेंगे तो उसमें देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया हुआ है। प्रातः काल उठे रघु नाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा। राम जी स्वयं ने माता पिता शिक्षा दे रहे हमें कि माता पिता का आदर होना चाहिए, गुरु जी का आदर होना चाहिए। जब ये संस्कार हमारे बच्चों को देंगे तब ठीक ठीक रूप में हमारी संस्कृति आगे चलेगी। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान है, इतनी महान कि दुनिया की कोई भी संस्कृति धर्म इसके आसपास भी नहीं, इसके आसपास भी नहीं है। आप वेदों में पढ़ेंगे, ये जितना मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, जितना मैथमेटिक्स हम स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं। आप वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ोगे, आप देखोगे चमत्कार आपको लगेगा। सिर्फ 16 फॉर्मूला, केवल 16 वैदिक मैथमेटिक्स में सिर्फ 16 फॉर्मूले, उसके अंदर पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स।
मल्टीपल डिवीजन तो छोड़ो, छोटी बात है, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इंटीग्रल्स, कैलकुलस, यहाँ तक की लिमिट्स सब कुछ उसके अंदर में है। अभी गुरुदेव सुना रहे थे कपिल मुनि देवहूति संवाद, सुना रहे थे ना, उसके अंदर गर्भ में बच्चा कैसा होता है उसका पूरा डिटेल वर्णन, उसमें पूरा वर्णन है, डिटेल में पूरा वर्णन है कि पहले दिन कैसा, सातवें दिन कैसा, पंद्रहवें दिन कैसा, एक महीने में कैसा, दो महीने में, तीन महीने में, नौ महीने तक पूरा। आप जो भी बायोलॉजी पढ़ोगे आपने देखा होगा, बच्चों को पिक्चर्स में दिखाते दिखाते कि नहीं दिखाते, सबने देखा होगा। लेकिन ये सब हजारों साल पहले लिखी हुई बात है, उस समय तो कैमरा नहीं था, कैसे लिखा, फोटोज कैसे लिए, बड़ी आश्चर्यजनक बात है, लेकिन सच बात है कि नहीं। तो बताओ किसको पहले पता था, हमारे संतों को पहले से ही पता था कि गर्भ में बच्चा कैसा होता है। साइंस तो अभी 150-200 साल में सारी बातें पता लगी है, और लेकिन अभी भी साइंस कहां तक पहुंचा है कि बच्चा कैसा दिखता है, क्या बच्चा कैसा दिखता है, लेकिन वो बच्चा क्या सोचता है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, मन में चल रहा है, ये तो अभी तक साइंस नहीं पहुंचा, लेकिन हमारे शास्त्रों में वो भी बातें लिखी हुई है। इतना इतनी महान संस्कृति के अंदर हमारा जन्म हो गया, हाँ, और भारत भूमि में जन्म हो गया, ऐसे महान संतों का हमें संग मिल गया, और स्वयं ठाकुर जी का चरण आश्रय भी हमें मिल रहा है स्वाभाविक रूप में ऐसे गुरु जी के आश्रय में। लेकिन फिर भी अगर हम ठाकुर जी का भजन नहीं करते, ठाकुर जी का नाम नहीं करते, भक्ति नहीं करते, तो हम एक समझो सीधा सीधा शास्त्रों में बोला गया कि हम आत्महत्या कर रहे। क्या कर रहे, जोर से बोलिए, मैं नहीं बोल रहा, हमारे शास्त्रों में लिखा है निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मायानुकूल नभस्वतेरितम भुवान भावम दीनात्मा। आत्मघाती बताया, ये बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, गुरु जी बता रहे थे ना कितने एक ग्लास के अंदर हजारों लाखों करोड़ों जीवाणु उसके अंदर में है, लेकिन उसमें से हम बड़े सौभाग्यशाली है जो हमें ये मनुष्य शरीर मिल गया, जिसको पाकर के हम भक्ति भजन कर सकते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशु भी नराना धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये तो जानवर भी करते हैं, अगर हम भी वही काम करेंगे तो हम एक जानवर ही कहलाए जाएंगे, लेकिन एक चीज हमें अलग बनाती है, वो क्या कि हम केवल और केवल ठाकुर जी की भक्ति कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते तो हम दो पैर पे चलने वाले केवल और केवल पशु हैं। इसीलिए गुरु जी जब यहाँ पर आई गए हैं, इतने महान वैष्णव जब यहाँ पर आई गए हैं, तो उनका संग करके ठाकुर जी की भक्ति और ठाकुर जी का नाम हमें ग्रहण करना चाहिए। इसी में ही हमारा जो कल्याण है वो निहित है, अन्यथा अकल्याण के अलावा कुछ नहीं होने वाला। यही बोल तुलसी, देखो आप सभी ने तुलसी वृक्ष का नाम सुना है ना, तुलसी पौधा हम सबके घरों में होता है। हमारे शास्त्रों में तो तुलसी जी की बहुत महिमा है, इतनी महिमा आप सोच नहीं सकते। बताया कि अगर तुलसी जी की कोई परिक्रमा करे, तुलसी जी में जल चढ़ाए, उसने बताया जानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्याधिकानी च तानी तानी प्रणक्षयंती प्रदक्षिणा पदे पदे। ये तो महिमा, लेकिन आप जब जाकर बच्चों को बोलोगे कि बच्चों तुलसी की पूजा करो, सेवा करो, बोलेंगे क्या पेड़ पौधे, स्कूल में तुम्हारे टीचर नहीं बोलते सब करने के लिए, हम क्यों माने। उनको बताने के लिए साइंटिफिक फैक्ट्स बताने होंगे। क्या साइंटिफिक फैक्ट्स बताने होंगे, देखो भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है थैंकफुलनेस। हम अगर किसी से कुछ भी ले तो उसके बदले में हमें एटलीस्ट थैंक यू बोलना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति में आप देखोगे मुख्य रूप से कुछ पेड़ पौधों की पूजा होती है, जिसमें एक तुलसी जी है, एक नीम है, एक पीपल है, आप सबने सुना होगा ना, ये सब तो सुना है ना, सबकी पूजा क्यों होती है, क्या कारण है उसके पीछे, कारण नहीं पता, कुछ लोगों को पता है। देखो एक प्रोसेस होती है जो आप सबको पता है, प्लांट्स हमें क्या देते हैं, क्या देते हैं, और जो से बोलिए ऑक्सीजन देते हैं, और क्या इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हर समय नहीं, हर समय नहीं, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे डू फोटोसिंथेसिस, अदरवाइज दे ऑल्सो डू रेस्पिरेशन, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। क्या रेस्पिरेशन का मतलब होता है, ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना। इसीलिए हमारे भारत में देखो बोला जाता है रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, बोलते कि नहीं बोलते, और उसके पीछे कारण क्या लगा देते कि इसको भूत है, लेकिन उसके पीछे जो साइंटिफिक कारण है वो ये है कि रात में पेड़ भी CO2 ही देते हैं, इसलिए पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। लेकिन इसमें बड़े आश्चर्यजनक रूप से कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनमें विशेष क्षमता है, जैसे तुलसी जी
वो रात में भी ऑक्सीजन देता है, नीम रात में भी ऑक्सीजन देता है, पीपल रात में भी ऑक्सीजन देता है। अब सोचो ये कुछ ही वृक्ष जिनके रात में ऑक्सीजन देते हैं और उनकी ही भारत में पूजा होती है, तो समझो भारतीय लोग कितने बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे। कुछ सोच पा रहे हो कितने महान वैज्ञानिक रहे होंगे जिनको ये सब बातें हजारों करोड़ों साल पहले से पता है। साइंस 100-120 साल पहले तक भी नहीं मानता था कि पेड़ जीवित है, वो बोलते थे पेड़ भी क्या है, मृत है। क्या बोलते थे? मृत है। लेकिन पेड़ मृत नहीं। एक डॉक्टर हमारे खुद के होम दोस्त, वो जब उन्होंने जाकर वहां विदेश में पढ़ाई करी, उनको भी पढ़ाया गया कि पेड़ तो निर्जीव होते हैं। उन्होंने बोला मेरी माँ ने क्या झूठ बोला, बचपन से मेरी माँ बोलती थी रात में पेड़ों को मत छुओ, ये सो रहे हैं, इनको मत तोड़ो, इनको भी दर्द होता है। क्या मेरी माँ झूठ बोलती थी? उन्होंने आकर के माँ से पूछा आपने ऐसा मुझे क्यों बताया? उन्होंने बोला जैसा मैंने सुना वैसा आपको बताया। उन्होंने रिसर्च करके प्रूफ किया कि ये पेड़ भी जीवित होते हैं, ये भी हंसते हैं, ये भी अच्छा बुरा सब फील करते हैं। उन्होंने मीटर्स बना करके जब दिखाया सारी दुनिया के अंदर ये पूरी रिसर्च की पेड़ ट्रीज आर ऑल्सो लिविंग बींग, ये भारत के नाम पर ही इसका जो पूरा क्रेडिट है केवल भारत को मिला हुआ और वो डॉक्टर बोस के नाम पर है। तो सोचो ऐसी भारतीय संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अमेरिका को फॉलो करके, इंग्लैंड को फॉलो करके, जो देश ऑलरेडी जिनके पास में ये सुविधाएं हैं, बड़ी कार, बड़ा घर, बड़े बिल्डिंग्स, हाँ इनको ही हम बड़ा करके मानते हैं। लेकिन अगर सोचो अगर इसी से ही सुख मिल जाता तो अमेरिका में सब लोग सुखी हो चुके होते कि नहीं हो चुके होते। लेकिन अमेरिका की खुद की ही रिपोर्ट है कि वहां पर अभी 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बिना रात में स्लीपिंग पिल्स खाए नहीं सो सकते। उनको रात में सोने के लिए क्या खाना पड़ता है? नींद की गोली खानी पड़ती है। क्या खाना पड़ता है? नींद की गोली। लेकिन हमारे भारत में क्या ऐसा है? हमारे भारत में देखो लोग कथा में आते 10 मिनट में सो जाते और उठाना पड़ता है, उठ जाओ सुन लो, ये तो बड़ा है, देखो कितना आश्चर्य। उधर लोग बेचारे सो नहीं पा रहे। हाँ इसीलिए भारत जो देश है वो बड़ा महान देश है। और सुनो हमारे गुरु जी एक बहुत अच्छा रामायण से एक सिद्धांत बताते थे, सुखी कौन हो सकता है या फिर सुखी कौन नहीं हो सकता। हाँ तुलसीदास जी कहते हैं कमट पीट जा मही बहुबारा बंधो सुत बरु काहु हिमारा फूल ही नव बरु बहु विधि पुला जीवन ला सुख हरि प्रतिकूला। तुलसीदास जी कहते हैं कछुए की पीठ पर से बाल उग गए ये बात मैं मान लूंगा। क्या उग सकते कभी? नहीं उग सकते। वो कह रहे मैं मान लूंगा। बंधो सुत बरु काहु ही मारा, किसी बांझ स्त्री के पुत्र ने किसी को मार दिया, इस बात को भी मैं मान लूंगा। क्या कभी बांझ स्त्री का पुत्र होता है? नहीं। लेकिन उसके पुत्र ने किसी को मार दिया ये भी बात मैं मान लूंगा। फूल ही नव बरु बहु विधि फूला, जमीन के बजाय आसमान से फूल लगने लगे, इस बात को भी मैं मान लूंगा। लेकिन जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला, लेकिन हरि से विमुख होकर के इस संसार में कोई सुखी हो गया, इस बात को मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। इसलिए आप लोगों को भी गुरु जी का सानिध्य मिला है, आप लोग सब ठाकुर जी का भजन कीजिए, बोल के वाणी के ग्रहण में वांछा कल्पतरु भ्रष्ट कृपा सिंधु भय वच पतित नाम पावन पे वैष्णव देव नमः। हरे कृष्णा। जो भागवत बच्चा है ना बामन देव किसको बनाएगा? ये बनेगा गुरुदेव बना हो जा गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाई तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। और एक बार जोर करके सभी लोग हाथ उठाइए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु गुरुजी महाराज की जय।
भागवत भगवान की जय, भक्त वृंद की जय, जय जय श्री राम। अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रवेश परमारद्धतम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति विदान बावन गोस्वामी महाराज एवं मेरे सन्यास गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद भक्ति विदान नारायण गोस्वामी महाराज सपार्षद सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद श्री उपान गुरुवर्ग साथ ही साथ परम पूज्यवाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी परम पूज्यवाद माधव प्रिय प्रभु और आए हुए सभा में वैष्णव भक्तजन सभी के चरण में यथाजग दंडवत प्रणाम एवं सादर अभिनंदन करता हूं। महाराज जी ने अभी आदेश दिया कुछ कथा सुनाने के लिए। मुझे तो मथुरा में जब रहे माधव प्रिय प्रभु और कृष्ण कृपा प्रभु जो अभी सिद्धांति महाराज तो वो दिन मुझे याद आ तो इन दोनों ही मुझे काका गुरु लगते हैं और अथाह स्नेह करते हैं। तो आज भी उनकी स्नेह देख करके मुझे आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो देखिए गुरु वैष्णव की जो प्रीति है यही हमें चाहिए। संसार की जो प्रीति है वो प्रीति क्या है हमें संसार में फंसना और कोई गुरु वैष्णव आपको याद कर रहे हैं तो समझ लो आपकी मोक्ष के द्वार खुल गए भक्ति प्राप्त हो जाए। लेकिन हम क्या करते उल्टा करते अपने संसार बनाने के लिए संसार को तरक्की करने के लिए संसार बसाने के लिए बढ़ती करने के लिए हम गुरु वैष्णव के पास आते हैं। लेकिन गुरु वैष्णव को आप ऐसे भाव से आने से उनको दर्शन नहीं कर पा रहे उनकी हाड़ और मांस को देख रहे। लेकिन गुरु वैष्णव जो चीज देने के लिए आए है ना वो हम समझना है। इसलिए दो प्रकार के भक्त हैं। एक प्रकार के भक्त गुरु वैष्णव के पास भागवत के पास भगवान के पास आते हैं अपनी इच्छा पूरी है ना जी मेरी इच्छा पूरी है ना अपना काम पूरा हो जाए मेरी बेटी शादी हो जाए काम धंधा अच्छा बन जाए कोई दुगना आए। और एक प्रकार के भक्त आते हैं नहीं गुरु वैष्णव भगवान जो चाहते हैं वही हो। आप अपना भी विचार कर लो कौन महान है। तो नरोत्तम दास ठाकुर उनकी गुरु वंदना में कहते हैं श्री गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया हार ना करियो न्यास। जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं हम ध्यान से समझ तो गुरु की क्या इच्छा है गुरु वैष्णव का क्या इच्छा है उन्हीं की इच्छा के अनुसार हमें चलना और उनकी इच्छा पूरा करने के लिए अपनी जितने भी इच्छाएं हैं वो सब छोड़ दो तब जाकर के सही में वो गुरु वैष्णव की सेवा कर पाएंगे अन्यथा नहीं। तो ये मैं अनुभव किया हूं कर भी रहा हूं। तो हमारे क्या नाम है प्रभु जी आपने बहुत सुंदर कथा सुना है तो मैं भागवत कथा है और भी हमारे वक्ता लोग बोलेंगे तो हरिनाम के ऊपर दो शब्द बता देता जो भागवत का सार है हरिनाम नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाश इसमें आखिरी श्लोक बताएंगे महाराज जी। अच्छा। इस नाम संकीर्तन जो हरिनाम है चार प्रकार कीर्तन है ये सठ संदर्भ जीव गोस्वामी का स्थिति भी है महाराज जी कथा सुनाए हैं लेकिन रमन बिहारी गोड़ी में भी सुनाया था कितना तो संदर्भ में बता रहे हैं कि कीर्तन जो है चार प्रकार है एक रूपों का कीर्तन एक गुणों का कीर्तन एक नाम का कीर्तन है ना और एक लीला का। इन चार प्रकार कीर्तन में से सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम क्योंकि जब भगवान का नाम हम लेते हैं तो उसी में रूप भी छुपा हुआ है गुण भी है लीला भी है ना। इसीलिए साधारण नाम नहीं है ना। गुरु जी नारायण गोस्वामी महाराज जब गोवर्धन में भागवत करी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था
जैसे कि जल जल बोलने से जल आएगा नहीं कभी, लेकिन राम राम बोलने से, राधे राधे बोलने से एक दिन आएगा। इसका दृष्टांत है, उनका नाम है रत्नाकर जिन्होंने रामायण लिखी। पहले बहुत बड़े डाकात थे, डाकू दस्यु। उनको कहा नारद जी ने, मैं संक्षेप में बता रहा हूं, बोलते बेटा तू राम बोल, इतना पाप कर रहा है तुझे मालूम नहीं है, नरक में जाना पड़ेगा। बोलते हैं तो वो सारी बात आप जानते हैं, तो बोलो तू भगवान का नाम ले, सारे पाप खत्म हो जाए। जैसे यहाँ पे एक घर में पूरा रुई भर दो और फिर माचिस लगा दो, एक सेकंड में खत्म। उसी प्रकार भगवान का नाम उच्चारण करने वालों का जितनी सारी पाप है, जो कुछ भी है, सब खत्म कर दे। तो इस प्रकार भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, हम समझ नहीं पा रहे। तो उन्होंने उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समान, जिन्होंने उल्टा नाम जपा था, राम को उल्टा करने से क्या था, मोरा है ना है? और मोरा मोरा बोलते बोलते, और मोरा दो बार बोलोगे तो बीच में राम शब्द आ ही जाता है। तो हम देखो वही रत्नाकर से भी ज्यादा खतरनाक हम लोग हैं। कैसे, हम ना मोरा बोलते हैं ना राम बोलते हैं, है ना, है ना, मोरा भी नहीं बोलते हैं और राम भी नहीं बोलते। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे मोरा 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 राम शब्द आ रहा, मोरा फिर मोर राम शब्द आ रहा। इसीलिए हमें आगे बढ़ना है, और बड़ी भगवान की कृपा है जो ऐसे शुद्ध वैष्णव से है ना, विकासपुरी में जो हमारी चेतनता का विकास, चेतन पांच प्रकार के हैं, इन्होंने तो बताया एक ही चेतन है ना, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस लेबोरेटरी प्रमाण किया था, वन ट्री इज वन लाइफ। लेकिन हमारे भक्तिनाथ ठाकुर जयवधर ने बताया चेतन पांच, एक आच्छादित चेतन, एक संकुचित चेतन, मुकुलित चेतन, विकसित चेतन और पूर्ण विकसित चेतन है ना। इस प्रकार भारत में जो वैज्ञानिक है, हमारे जो जितने आचार्य है, ये और कहां कौन सा देश में मिलेगा बताइए। इसलिए बहुत पुण्यवान है आप लोग, मैं भी उन आप लोगों के साथ में हूं। तो इस तरह से इस प्रकार इस चेतनता की जो विकास होनी चाहिए, मेन चीज यही है। आज समाज में देखो घर जगह जगह में आग लगा रहे हैं, भेट बैंक या वोट बैंक के लिए जात का लड़ाई, किस किस का लड़ाई होता है, स्वार्थ का लड़ाई हो रही है। लेकिन ये समाज तब तक सही नहीं चल सकता है जब तक वह ऋषि नीति को नहीं अपनाएंगे। ये परम गुरुदेव केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं। क्यों, ऋषि नीति क्या है, ये भागवत नीति, वैष्णव नीति, ये भागवत नीति आदर्शों को फॉलो करना ही है। भागवत कथावाचक के लिए भी है, आप लोगों के भी है, मेरे लिए भी है। इन भागवत में जो विचार दिया वो जीवन में उतारना ही हमारा धर्म है, जो उतारेंगे उनका कल्याण होगा। तो गुरुदेव कहते हैं हम सब सुधारने के लिए हम यहाँ आए थे, है ना। यहाँ पे कोई बड़े पोस्ट मिल गया तो बड़े हो गए, ऐसी बात नहीं है। हम सभी लोग सुधारने के लिए, गुरु वैष्णव हमें स्नेह करते हैं, उनके सेवा करेंगे, उनके कृपा भक्त बनेंगे तो हमारा कल्याण होगा, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। तो कहते हैं तो चेतनता में जैसे पेड़ में आच्छादित चेतन है, हाथी घोड़े बिच्छू में संकित चेतन है, मुकुलित चेतन इंसान में है। एक प्रकार के लोग नीति मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते, वो कोई मठ मंदिर गिरजा मस्जिद कोई नहीं है, ऐसा भी लोग है, मैं देखा हूं। अच्छा एक प्रकार लोग है भगवान तो मानते हैं लेकिन नीति मानने के लिए तैयार नहीं, बट उससे दोनों में काम नहीं बनेगा। फिर भगवान ने सृष्टि किया, वो नीति भी मानते हैं भगवान को मानते हैं, जो सतगुरु से दीक्षा मंत्र ले लेते हैं उसको विकसित चेतन कहते हैं। जब वो विकसित चेतन जब भजन करना शुरू कर देते हैं, चेतन करते करते जब अपनी आत्मा की पहचान, शरीर की पहचान नहीं, जो मैं शांत महाराज हूं, रमन बिहारी गौड़ी मठ में रहता हूं, इधर रहता हूं, सबका एक पहचान है ना, ये तो भौतिक पहचान। आत्मा की पहचान, अंदर वाली आत्मा की जो पहचान जब भजन के प्रभाव से जान जाते हैं, उसको कहते हैं सर्व सिद्ध। उस समय उसका नाम हो जाता है पूर्ण विकसित चेतन, है ना। इसलिए विकासपुरी में हमारे नवीन प्रभु ने और भक्त लोगों ने मिल करके बहुत
विकास करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये पूर्ण विकसित चेतन के प्राप्त कराना चाहते हैं। और ये चेतनता कहां से आ रही है? ये भागवत से और हमारे पूज्य सिद्धर महाराज से। तो इस तरह से अब आगे और भी कल्याण होगा। मैं नाम के बारे में थोड़ी सुना देता हूं। तो ये हरिनाम सत्संग में हरिनाम करना है। तो हरिनाम लेते समय देखो, हरिनाम बहुत प्रकार के हैं। हरिनाम एक तो शुद्ध नाम है, एक नाम आभास है, और एक है नाम अपराजयुक्त नाम है, एक असत्संग में नाम है, एक है संकेत नाम, एक परिहास स्तोव हिलो हिला करके नाम लेते हैं, एक छाया नाम आभास है, एक प्रतिबिंब नाम आभास है। अब हमें इतने सारे नाम है, अभी गुरु जी आप बताइए अब कौन सा नाम करना है, कौन सा नहीं करना ये बताइए, है ना? आप पूछना महाराज जी से, गुरु जी से, महाराज जी जरूर बताएंगे जरूर कौन सा नाम करना। आप बताए कौन सा नाम करना चाहेंगे? इंदु आप बोलो कौन सा नाम? शुद्ध नाम, वेरी गुड, ताली बजाइए, बोलो इंदु दीदी की जय। हमें शुद्ध नाम करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और शुद्ध भक्त के संग में शुद्ध नाम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम सब संग भी कर रहे हैं, हरि कथा भी सुन रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध नहीं हो रहा। उसके लिए क्या होना चाहिए? भगवान से गुरु वैष्णव प्रार्थना करना है, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु, यानी हम भगवान को जानते नहीं है, भगवान को हम देखा नहीं है ना, लेकिन भगवान है, लेकिन हमें वैष्णव को नजर आ रहे हैं, गुरु को नजर आ रहे हैं। जैसे हम गुरु जी से मिले, जैसे आप लोग का आशीर्वाद से श्री बामन गोस्वामी महाराज, श्री नारायण गोस्वामी महाराज, त्रिकू महाराज हमने देखा, इन महाराज हमन माधव प्रियम सब लोग देखा, लेकिन हमें, मुझे अपनी बात कर रहा हूं, इतना विश्वास नहीं हो पाया कि गुरु जी अगर आशीर्वाद दे देते हैं, जो इच्छा तेरी पूरी हो जाए तो हो जाता है, इतना विश्वास नहीं था। लेकिन अभी धरा धरा साधु संघ में समझ में आ रहे हैं, यही वैष्णव है, साधु गुरु हैं, जिनको हम समझ नहीं सकते हैं, उनकी कृपा से ही उनको हम समझ सकते हैं, और उनके जो सिद्ध महात्मा है उनको इच्छा मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? तस्मात सर्व प्रयत्न गुरु में व प्रसाद है। इसलिए गुरु वैष्णव की सेवा करना, करते ही हमारे भगवान का नाम करना चाहिए। और देव कपिल देव थी वो नाम सुनाया था कथा, जो शतम प्रसंगन मम, शास्त्र में भागवत में यही कह रहे हैं, भगवान को जानना है तो भाई आपने आंखों से नहीं देखना, साधु के पास जाओ, साधु आपको बताएंगे। अभी वही कथा को हमारे पूज्यवाद सिद्धर महाराज जी, हमारे पूज्यवाद माधव प्रिय प्रभु आगे बढ़ाएंगे। समय संक्षेप के कारण मैं कथा को यही विश्राम दे रहा हूँ, आगे सुनाएंगे। पंचा कल्पतरुवश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनं वैष्णवं। महाराज जी कह रहे हैं कि 31 तारीख को रमन विहारी गौड़ी मठ में एक भजन संध्या है, 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक। जैसे यहाँ पे हीटर लगा है ना, वहां भी हीटर भी और लाइट भी और प्रसाद भी सब व्यवस्था है। तो आप सब लोग आइएगा, और महाराज जी वहां पे 6 बजे से कथा करते हैं, सुबह 6 बजे, इतने सुबह तो आ नहीं पाएंगे शायद, कथा करते हैं। चलो आगे कथा का, हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री माधव प्रिय प्रभु की। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
समय की सीमा होने के कारण मैं संक्षेप में ही समस्त रूपानुग गुरुवर्ग उपस्थित समस्त वैष्णव जनों के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हैं। आज भगवान कृष्णा भी जन्म लेने वाले हैं, इसलिए सबके सब भगवान बामन भी आएंगे, भगवान कृष्ण भी आएंगे, सबके सब इसका आनंद और प्रसाद लेकर सब सब जाइएगा। और कल श्री राधा रानी भी जन्म लेगी, आज तक कन्हैया आएंगे पर श्री राधा रानी कल जाएगी, इसलिए कल राधा रानी की जन्मोत्सव मतलब। अभी श्रीपाद शांत महाराज जी ने अपनी कथा समाप्त करते समय जो विषय छोड़ा और उन्होंने कहा कि यहीं से ही प्रारंभ करेंगे, आगे बढ़ाएंगे उस कथा को, उसमें उन्होंने श्लोक दिया, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा। जो भगवान की कथा है वो कैसी वाली है, बोलते हैं हृतकर्ण रसायना, अर्थात एक व्यक्ति के हृदय के लिए और उसके कानों के लिए हरि कथा अमृत के समान है, रसायन है। रसायन होता है टॉनिक, एक ऐसे वाले वस्तु जो औषधि का काम भी करती है और साथ ही साथ में पथ्य का काम भी करती है, अर्थात अलग से कोई डाइट नहीं लेनी पड़ती। औषधि भी वही होती है मेडिसिन, और डाइट भी वही होती है, दोनों चीजें जिसमें एक साथ काम करती हैं उसको कहते हैं रसायन। तो भगवान की जो कथा है वो कैसी है, रसायन के समान है। किंतु ये वास्तविक रूप में किसको रसायन प्रतीत होती है, सभी लोग हरि कथा सुन करके आनंदित नहीं होते, पुष्ट नहीं होते, तो उसके लिए कहते हैं केवल जो सेवो उन्मुख हैं उनके लिए तो वो आनंद प्रदान करने वाली होती है, किंतु सबके लिए नहीं। और इसी श्लोक में ही कहते हैं सतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को कह रहे हैं कि हे माता आप क्या करना, मेरी जो कथा है उसको साधु के मुख से सुनना, साधु के मुख से सुनना। तो माता देवहूति ने साथ ही साथ में प्रश्न कर दिया, पुत्र तुमने मुझे केवल कथा सुनने के लिए कहा नहीं है, तुमने मुझे केवल भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं कहा, तुमने कहा है साधु के मुख से वो कथा सुनना। कथा तो बहुत से लोग करते हैं किंतु साधु के मुख से कथा श्रवण करने का बहुत अलग फल है। कथा तो कोई भी व्यक्ति पढ़ करके रट करके बोल सकता है, किंतु जो व्यक्ति उस कथा को अपना जीवन बनाता है उसको कहते हैं साधु, और उसी के मुख से कथा सुनने से ही उस कथा का फल प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों में निर्देश दिया, अवैष्णव मुखो उद्गीर्णात पूतम हरि कथामृतम श्रवण एवा ना कर्तव्या यथा सर्प उचिष्ट पयो। जिस प्रकार से सांप के द्वारा मुंह लगाया गया दूध नहीं पीना चाहिए, वो विषैला होता है, उसी प्रकार से भगवान की कथा भले ही दूध के समान पुष्टिकारक है किंतु तब भी यदि उसमें कोई अभक्त अवैष्णव अपने मुख से उसको बोलता है तो वो हमारे लिए पुष्टिकारक नहीं बनती बल्कि विषैली होती है, हमारे लिए लाभकारी नहीं हानिकारक होती है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथों में उपदेश दिया, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने। भागवत किससे श्रवण करनी चाहिए, भगवान की कथा किससे श्रवण करनी चाहिए, जो 24 घंटे में से 24 घंटे भगवान का भजन करता है, उसके अतिरिक्त उसके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है भगवान की प्रसन्नता के अतिरिक्त। वो धन के लोभ से, प्रतिष्ठा के लोभ से,
किसी जागतिक और लाभ के लोभ से भागवत की कथा नहीं करता। उसके मुख से भागवत श्रवण करने का फल प्राप्त होता है, अन्यथा भागवत श्रवण करने का फल नहीं होता। इसलिए उपदेश जो दिया भगवान कपिल ने कहा साधु के मुख से कथा सुनना। तब माता ने प्रश्न किया कि साधु वास्तविक रूप में और साधु जैसा दिखाई देने वाला व्यक्ति, इन दोनों के बीच में मैं कैसे अंतर करूंगी, आप मुझे ये भी बता दो। तब भगवान ने उनको उपदेश दिए थे कि जो भक्त हैं, साधु हैं, उनके क्या लक्षण हैं। तितिक्ष्वा, कारुणिका, सूरिदास, सर्वदेही नाम, ये जो उपदेश हैं सारे, आप लोगों ने शायद इस प्रसंग को सुन लिया है भागवत के अंतर्गत। तो ये सारे उपदेश दिए। अभी हम लोग जब इस सभा में आ रहे थे तब महाराज जी सुना रहे थे कि किस प्रकार से नाम की महिमा, अजामिल का शायद प्रसंग चल रहा था, उसमें नाम की महिमा के विषय में महाराज जी बतला रहे थे। तो इन सब प्रसंगों को सुन करके हमारे को जो हमारे गुरु वर्गों के उपदेश, शास्त्रों की जो वाणियां हैं, वो स्मरण आती हैं। शास्त्र और गुरु वर्ग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अपने मंगल की बात जिस समय भी जिसको सुनने के लिए मिले, उसी समय से ही क्या करना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। मंगल की बात, सत्य बात, जब किस कब मैंने सुन ली, उसको यदि मैं साथ ही साथ में धारण नहीं करता तो क्या हो सकता है कि मैं उससे वंचित हो जाऊं। क्यों? निश्वासो श्वास के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी चल रही है और अगले मुहूर्त में नहीं भी हो सकती। आज मैं जीवित हूं, हो सकता है प्रातः काल का सूर्य मैं ना देखूं। इसीलिए विश्वास नहीं किया जा सकता कि अगला सांस मेरा आएगा या नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं जैसे ही सत्य की बात सुनो, साथ ही साथ में उसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। आयु किसी की कितनी भी क्यों ना हो, किंतु जो समय बचा है उसी में ही क्या करना चाहिए, जो सत्य बात, जो वास्तविक मंगल की बात, उसको धारण करना चाहिए। जैसे महाराज जी नाम की महिमा बताते हुए कह रहे थे कि उसके समान और कोई वस्तु हो नहीं सकती, तो इसलिए क्या करना चाहिए, साथ ही साथ में उस वस्तु को धारण करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र में एक कथा आई गुरुजनों के मुख से कि एक समय एक व्यक्ति जिसका नाम था रामकृष्ण भट्टाचार्य, उसके पिता ने उसको आदेश दिया कि पुत्र, वो देवी के भक्त थे, उन्होंने आदेश दिया कि पुत्र जाओ और हमने आज शाम को देवी को बलि चढ़ानी है, उसके लिए कुछ बकरे और कुछ भैंसे जो हैं वो खरीद करके ले आओ। और वो खरीदने के लिए चला गया, खरीद भी लिए, मार्ग में आ रहा था, तब उसको एक शुद्ध वैष्णव श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर, उनका संग मिल गया, भेंट हो गई। उन्होंने पूछा कि ये बकरी, बकरे और भैंसे जो है किसके लिए लेकर के जा रहे हो? तब उसने बताया, मेरे पिताजी कल देवी की पूजा करेंगे, इनकी बलि चढ़ाएंगे, इसीलिए मैं इनको लेकर के जा रहा हूं। तब उन्होंने पूछा कि क्या माँ कभी अपने किसी बच्चे को अपने सामने मरते हुए देख करके प्रसन्न हो सकती है? वो तो हो नहीं सकती। और दूसरा, क्या वास्तविक रूप में शास्त्र कहते हैं कि देवी दुर्गा इत्यादि की पूजा भगवान के बिना संभव पर होती है? शक्ति क्या शक्तिमान के बिना काम करती है? पंखा यदि
बिजली हो और पंखा ना हो तब क्या आपको हवा मिलेगी? शक्ति और शक्तिमान तो इकट्ठे होते हैं। तो इसीलिए ये सारी बातें जब उन्होंने सुनाई तो उस व्यक्ति ने, रामकृष्ण भट्टाचार्य ने, बड़े ध्यान से उन बातों को सुना कि बात तो ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। एक तरफ से कहते हैं वो देवी जो है मेरी माँ है, और फिर कह रहे हैं उनके सामने उनके दूसरे बच्चे जो हैं, जो पशु के रूप में है, उनकी बलि चढ़ाएंगे। और फिर क्या देवी की आराधना अकेली होती है? शक्ति शक्तिमान की पूजा एक साथ में होती है। ये जो सारी बातें उन्होंने सुनी ध्यान से, तो उन्होंने क्या किया, भैंसे को और बकरों को छोड़ दिया और नरोत्तम दास ठाकुर से मंत्र इत्यादि लेकर के, ठीक ठीक बातें सीख करके अपने घर पर लौट करके आए। उसके पिताजी तो बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये अभी क्या लेकर के आएगा, देवी के लिए बलि का सामान लेकर के आएगा। जब देखा खाली हाथ आया तो उनसे पूछा, पुत्र कुछ साथ में लाया नहीं? तो उन्होंने कहा, जे पिताजी मैंने खरीदे तो थे मगर मैंने रास्ते में छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? कहते मैंने सत्य बात श्रवण कर ली, हिंसा किसी जीव से नहीं करनी चाहिए, अपने सुख के लिए मांस इत्यादि खाने के उद्देश्य से किसी वस्तु को नहीं ग्रहण करना चाहिए, उनको यदि हम लोग कष्ट पहुंचाएंगे तो उसका कष्ट जो है हमें स्वयं को भी अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। मारते समय जब उसको काटा जाएगा, काटते समय वो जो हाय हाय करेगा, उसको जो दुख होएगा, क्या उसका फल मेरे को नहीं भोगना पड़ेगा? मैंने ये सारी बातें सुनी हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, प्राणी का वध नहीं करना चाहिए, देवी प्रसन्न नहीं होती है इससे, उनकी उपासना अकेले नहीं होती है। पिताजी जब उसने ये सारी बातें बोली तब उसके पिताजी हाय हाय करने लगे कि तूने अपने पिता की बात की अवज्ञा कर दी, तूने जो है पैसे को नष्ट कर दिया, ऐसे ही बकरे को और भैंसे को छोड़ दिया, तूने केवल साधु की बात मान ली, इतने समय तक हम लोग जो सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, उस बात को तुमने छोड़ दिया। तो उसने क्या कहा कि पिताजी अब मेरे कान में सत्य बातें पहुंच चुकी हैं, इसलिए अब मैं दूसरी बातों के द्वारा आपके द्वारा बहकाया नहीं जा सकता, बहकूंगा नहीं अब मैं, क्योंकि मेरे कान में सत्य बात चली गई है। मेरे को नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बात सिखाई है भागवत की, गुरु साना सस्यात, गुरु उसको नहीं कहते, पिता उसको नहीं कहते, माता उसको नहीं कहते, बंधु उसको नहीं कहते जो मेरे को क्या करे, सत्य बात को मुझे ना बताए, सत्य बात को मुझसे छिपाए, उसको मैं अपना पिता माता बंधु बांधव गुरु तक भी नहीं मानूंगा जो मुझे क्या करता है, सत्य बात नहीं बता करके किसी भी कारणवश दूसरी कोई बात बताता है। इसलिए मेरे कान में अभी क्या हुआ है, भागवत को अपना जीवन बनाने वाले व्यक्ति की जो बात है वो मेरे कान में चली गई है, इसलिए अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। आप भले ही कहोगे कि मैं आपकी अवज्ञा कर रहा हूं, इससे मेरा दोष लगेगा, किंतु मेरा मानना है कि पिताजी आपसे प्रेम करने के कारण आपके द्वारा किए गए गलत कार्य को मैं आपको भी नहीं करने दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे कान में सत्य बात चली गई है। इसी का नाम है भागवत सुनना, सत्य वस्तु को श्रवण करना, ठीक ठीक रूप में समझना और समझ करके उसको जितना शीघ्र हो सके उसका पालन करना। क्यों? तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत, कौन से समय में मृत्यु आकर के सामने खड़ी हो जाएगी पता नहीं चलता, इसलिए कहते हैं जितना शीघ्र हो सके, जतो शीघ्र पारो भजो श्री कृष्ण चरण जीवनेर ठीक नाई, आजीवा शतेक वर्ष अवश्य मरण, आज हो 100 साल के बाद में हो, मरना अवश्य ही है, ये परम सत्य है। इसलिए जितना शीघ्र हो सके जो वास्तविक कार्य मनुष्य योनि में हम करने के लिए आए
उसको हमें कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि विषया खलु सर्व योनिम, भागवत कहती है बाकी जितने सारे काम हैं, खाना पीना सोना संतान उत्पन्न करना विषयों को इकट्ठा करना इधर से उधर घूमना बहुत कुछ देखना समय नष्ट करना, ये सारी योनियों में किया जा सकता है। केवल भगवान का भजन एक इस मनुष्य शरीर में ही करना संभव है। इसलिए कहते हैं तूर्णम यतेत ना पतेत, जितना जल्दी हो सके क्या करना चाहिए, सत्य वस्तु का अनुशीलन करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। यही बातें हम लोगों को श्रीमद् भागवत शिक्षा प्रदान करती है कि सत्य वस्तु है भगवान, मंगलमय वस्तु है भगवान, मधुर वस्तु है भगवान, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बाकी सब कुछ जो है वो कैसा है, अनित्य है, एक दिन छूट जाने वाला है, सुई की नोक के समान भी हम कुछ अपने साथ नहीं लेकर के जा पाएंगे। इसे सत्य वस्तु को श्रवण करने का अर्थ है भागवत को श्रवण करना। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समस्त गौड़िया वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज की जय। श्री भक्ति वेदांत शांत महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भक्ति वेदांत भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की, श्रील माधव प्रिय प्रभु की, सारे भक्त वृंद की जय। जय श्री राधे। बामन बना गया, बन गया। हाँ, अभी भगवान बामन देव आएंगे, फिर भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले। देखो, जब ये देवता दैत्य में युद्ध हुआ करता था, जब देवता मरते थे वो पूरा का पूरा मर जाए, लेकिन जब ये दैत्य मरते थे इनका गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से उनको फिर प्राण दे दे। एक समय देवता लोग गए भगवान के पास में, बोले प्रभु हम अमरत्व को कैसे प्राप्त करेंगे। बोले तुम देवता दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन करो। बोले दैत्य तो हमारे शत्रु है। बोले देखो, जब काम बनाना है ना, शत्रु को भी राम राम बोल देना चाहिए, अपना शत्रु को भी राम राम बोलना चाहिए। लेकर के समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगी, वो अमृत पान करोगे तो ये अमृत को प्राप्त करोगे। अभी समुद्र मंथन हुई, सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। श्री शंकर जी को प्रार्थना की तो टन के टन उन्होंने ये विष को पान करके उन्होंने अपना कंठे में धारण कर दिया। इसलिए शंकर जी का एक नया नाम पड़ गया, नीलकंठ नाम पड़ गया। बोले श्री नीलकंठ महादेव जय। देखो शंकर को अंदर में क्यों नहीं ले गए। बोले मेरे हृदय में ठाकुर जी बैठे। बोले अपना मुंह में क्यों नहीं रखे। शंकर जी से क्या देते हैं, अगर कोई गंदी चीज हो ना, अपना हृदय में भी मत रखा करो और अपना मुंह में भी नहीं रखनी चाहिए। अगर मुंह में रखोगे, कल हम सुन रहे थे ना, ये महाभारत रामायण क्यों हुआ, केवल द्रौपदी ने इतनी सी बोल दिया अंधा का बेटा अंधा होता है। और सीता ने क्या बोल दी, अभी मेरे को पता चला तू क्यों लक्ष्मण को बोले क्यों आया था, राम मरेगा तो मेरे से शादी करोगे। बस इतनी सी बात ये महाभारत की रामायण के कारण बन गई। इसलिए शिक्षा देते हैं, भैया कोई गंदी चीज हो कभी भी उसको मुंह में मत रखा करो, फिर हमारी घर में भी महाभारत रामायण होना शुरू हो जाएगी। फिर समुद्र मंथन हुई जिससे माँ लक्ष्मी स्वयं निकली। अभी लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, सारा दुनिया को लक्ष्मी चाहिए। अभी सबके सब तो लड़ाई करना शुरू कर दी, नहीं लक्ष्मी हमें चाहिए। लक्ष्मी बोली ऐसे नहीं, सबके सब लाइन करके खड़े हो जाओ, मैं अपना मर्जी पति को मैं चुनूंगी। वो सबको पास में गई लक्ष्मी, लेकिन सबके अंदर में कुछ ना कुछ उन्होंने दोष देखा। उन्होंने किसी को नहीं देखा निर्गुण है, लेकिन जब भगवान नारायण को पास में गई ना, देखा सर्वगुण संपन्न अगर कोई है ये भगवान नारायण है। तब माँ लक्ष्मी ने उनकी गले में माला डाल दी। बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय। देखो यहाँ पर माँ लक्ष्मी शिक्षा देते हैं, जगत में जितने देवता है ना, कोई परिपूर्ण नहीं, सबका अंदर भी कुछ ना कुछ दोष है।
अगर उपासना करना चाहिए तो जो निर्गुण जो भगवान नारायण है, भगवान कृष्ण और राम है, केवल यही उपास्य हो सकते हैं और कोई उपास्य नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर में कुछ ना कुछ दोष है। अब शास्त्र उठाकर देख लो, भगवान को विष्णु का सिवाय जो दूसरे दूसरे देवा देवियों को पूजा किया ना, लास्ट में सबके सब मरे, लेकिन एक जो विष्णु भक्त है श्री कृष्ण का भक्त कभी मरे नहीं, क्योंकि भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कौनते प्रतिजानी न मैं भक्ता प्रणशति, बोले अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे शरण में आने वाले कभी ये मरते नहीं। फिर समुद्र मंथन हुई, धन्वंतरी ने ये अमृत कलश को लेकर उठा, बोले ये अमृत के लिए तो सबके सब लड़ाई कर रहे थे, मंथन कर रहे थे, जब अमृत निकला अहम पूर्वम करते करते पहले हमें मिलनी चाहिए, दैत्य लोगों ने ये अमृत को छीन लिया। ठाकुर ने देखा अगर दैत्य लोग अमृत पान करेंगे अमरत्व को प्राप्त करेंगे, अमरत्व बन गए तो दुनिया की ध्वंस हो जाएगा। इतने में भगवान ने महीन अवतार लिया, क्या सुंदर ठाकुर जी देखने में थे, क्या सुंदर ठाकुर जी, इनकी महीन रूप देख करके जो आपस आपस में लड़ रहे थे अमृत के लिए लड़ाई खत्म। इतने में मोहिनी पतली पतली होठ से बोली, बोले भैया क्या बात, क्यों लड़ रहे हो, बोले हम तो दो भाई लगते हैं, बोले लड़ रहे क्यों, बोले अमृत के लिए। इतने में दैत्यों ने कहा देख मोहिनी हम अमृत पिएंगे तो तेरे हाथ से पिएंगे, बोले देखो अनजान स्त्रियों को पर विश्वास नहीं करनी चाहिए, ये अपना पर इनकी विश्वास हो, इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं अनजान व्यक्ति को पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। बोले मोहिनी पिएगा तो तेरी हाथ से, नहीं तो हम अमृत ही नहीं पिएंगे, बोले देखो तेरे बीच में कोई गड़बड़ी नहीं करना है, इसलिए दो लाइन कहकर बैठो, पहले तुम्हें ये देवता को अमृत पिला देता हूँ, हाँ ऊपर से पतला पतला जो गाड़ी गाड़ी रह जाएगी ना, फिर तो हम दोनों बैठ कर एकांत में पिएंगे। बोले देखो मोहिनी अगर ये अमृत नहीं मिले कोई बात नहीं, अगर तू मिल गई ना हमें सब कुछ मिल जाएगी। इतने में मोहिनी जब अमृत बांट रही थी वो केवल दैत्यों के तरफ में तिरछी नजर से देख रही थी और मीठी 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 मुस्कुरा रही थी, दैत्यों का तो अमृत तरफ में ध्यान ही नहीं, उनकी जो मीठी मीठी मुस्कुराहट, उनकी जो तिरछी चितवन में ही पागल हो रहे थे, क्योंकि ठाकुर स्वयं मोहिनी रूप लिए है, इसलिए जिनकी रूप देख करके शंकर भी स्वयं पार्वती को गोद से फेंक दिए, जिनको पीछे पागल होकर के उन्होंने शंकर जी को भी उन्होंने भटका दिए, इतने सुंदर थी, उन्होंने अमृत पिलाते पिलाते इतने में चंद्र सूर्य को बीच में एक स्वर भानु नाम का दैत्य छुप करके अमृत पी लिया। चंद्र सूर्य ने कहा प्रभु ये धोखे से ये अमृत पिया है, ठाकुर जी सुदर्शन चक्र बुलाए और उन्होंने उसको काट डाले, जब काट डाले राहु और केतु बने, बीच बीच में ये चंद्र सूर्य को ग्रहण करते हैं, उनको ग्रास करते हैं। देखो कहीं कहीं पर आई है ये प्याज लहसुन हम क्यों नहीं खाते, ये प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते, उसकी दो कथा आती है। एक कथा आती है जब उन्होंने ये दैत्य को काटे, जहां पर इसकी मांस गिर पड़ा वहीं से प्याज की पौधा हुई, जैसे मांस लाल लाल रंग के वो प्याज भी लाल लाल रंग के, जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, देखना प्याज कच्चा प्याज खाओ मुंह से भी वैसे बदबू आती है, मुंह से बात नहीं कर सकते, प्याज काटो तो बड़े दूर तक पता उसकी बदबू बड़ी दूर तक जाती है, छोंक दो तो उसकी बदबू जाती है, काटो तो आंखों से आंसू आ जाती है। आप लोग नवरात्रि रखते हो, कौन कौन नवरात्रि रखते हो, आप लोग 9 दिन तक कोई प्याज लहसुन खाते हो, क्यों नहीं, क्यों ये प्याज लहसुन नहीं खाते हो, ये ठाकुर जी की सेवा में क्यों नहीं लगती, कारण है उसका जो सृष्टि है ना ये तामस की वस्तु, ये दैत्य की मांस से ये सृष्टि हुआ, ये दैत्य की मांस से सृष्टि हुई है, इसलिए क्या मैया को 9 दिन तक खुश रखना फिर प्याज खा करके उनको फिर नाराज करो, इसलिए मैया को जो पसंद नहीं वो चीज हमें कभी भी नहीं खानी चाहिए। कभी ये लहसुन कहाँ से बना, बोले जहां पर उनकी हड्डी गिरा वहां पर लहसुन बना, जहां पर खून की बूंद गिरी वहीं पर मसूर दाल बना है, इसलिए ये तीन चीज को पहले पाप मानते थे, ये चीज को घर में कोई नहीं घुसाया करते थे। अभी प्रश्न है ये आया कहां से गिरा, आप लोग अपना घर में देख लेना,
हम लोग अपना घर में देखना, एक दो पीढ़ी पहले आपका घर में भी नहीं आता हुआ देखोगे, लेकिन ये आई कहां से? फिर ये चीज को मुगल लोगों ने लाए, मुसलमान लोगों ने, ये मांस मछली अंडा प्याज लहसुन कोई हिंदू कभी नहीं खाते थे। अभी महाराज जी प्रभु जो बता रहे थे ना, हैं बता रहे थे, इसको कोई भी हिंदू नहीं खाते थे। हम लोग देखना घर में हर माताएं ठाकुर जी को भोग लगाती थी, ठाकुर को प्रसाद देती थी, ये हर घर घर में हिंदू घर में ठाकुर को सेवा पूजा होती थी। लेकिन इन लोगों ने ला करके हमें सब हमारी जात पात सबको सब भ्रष्ट कर दिया। इसलिए कोशिश करना ये चीज से दूर रहने के लिए। इतने में मोहिनी ये अमृत पिलाते पिलाते जब खत्म हो गया, कलसी को फेंक करके मोहिनी अंतर ध्यान हो गई। अभी देवता दत्त में घमासान युद्ध हुई, देवता लोग अमृत पी चुके थे। जैसे केले का पेड़ को काटते ही एक तरफ से दत्त्यों को मारना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने देखा लगता है दत्त्य वंश ही समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी आकर के रोके, फिर गुरु जी शुक्राचार्य जी आए संजीवनी मंत्र से, फिर सारे सबके सब फिर जिंदा कर दिए। इनकी राजा श्री बलि ने एक यज्ञ किया है जिसका नाम कहते विश्वजीत महायज्ञ। वो यज्ञ से एक रथ अस्त्र शस्त्र को साथ में निकली, जिसको ऊपर में बैठ करके आप युद्ध कर, आपको कोई परास्त नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने स्वर्ग राज्य को ऊपर में आक्रमण की, आक्रमण करके सारे देवता को मार मार करके वहां से भगा दिए। बृहस्पति ने कहा देखो अगर इस बार लड़ोगे ना सब मारे जाओगे, क्योंकि उन्होंने अपना गुरु जी की ब्राह्मण की सेवा की है, उनकी शक्ति को लेकर के आए। भलाई है स्वर्ग राज्य छोड़ो और मरते जगत में चले जाओ। अभी मारे मारे मरते जगत में भटक रहे हैं। माता अदिति ने कश्यप ऋषि से बोले मेरे बच्चों को स्वर्ग राज्य कैसे मिलेगा? बोले एक पय व्रत है केवल 12 दिन का है, ठाकुर जी को केवल दूध पी करके रहो, ठाकुर को मिश्री भोग, ठाकुर को खीर भोग लगाओ, बड़ी नीति नियम व्रत करो, ठाकुर जी वामन बन करके आएंगे, फिर ये स्वर्ग राज्य तुम्हें प्रदान करेंगे। तब श्री भगवान श्री वामन देव प्रकट होते हैं। बोले भगवान वामन देव की जय हो। अभी नहीं बैठो, वामन छत्री है ना, इसलिए जब श्री भगवान वामन देव प्रकट हुए, अभी त्रिलोक उमड़ी ठाकुर जी को स्वागत करने के लिए। अभी सिर्फ बृहस्पति ने इनकी उपनयन संस्कार की, नियम है उपनयन संस्कार को बाद में बच्चे को गुरु जी को गुरु दक्षिणा देना पड़ता। बोले गुरु जी क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? बोले छोटे मोटे चीज नहीं, बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं नर्मदा नदी किनारा में, उनको स्वर्ग राज्य वापस ला करके हमें ये स्वर्ग राज्य दो। जब भगवान वामन देव श्री बलि महाराज का घर में पहुंचे, क्या भगवान की ज्योति, ठाकुर का क्या सुंदरता, जिनको देख करके बलि महाराज बोले क्या ये अग्नि देवता ना ये चतुसन ये कौन है? तब उनको बैठा करके उन्हें कहा चरण धोए, इनकी चरणामृत लिया। बोले आज तो मेरे भाग्य जग गया, जीवन धन्य हो गया है, आप जैसे ब्राह्मण को दर्शन पा करके आप जो कुछ आज मांगोगे आपका मैं झोली भर दूंगा, इसलिए जो कुछ मांगना मांगो झोली भर दूंगा। बोले देखो हमको ज्यादा चीज की जरूरत नहीं, लेकिन केवल 3 पग जमीन चाहिए, ज्यादा चीज जरूरत नहीं। बोले तू जैसे बहुना तेरे बुद्धि भी बहुना, अरे 3 तू तो देखने में इतने से छोटा पर 3 पग जमीन। बोले देखो और ये बात है मैं किसकी प्यार से नफा करके नहीं लूंगा, अपना प्यार से नाम करके लूंगा, हैं दूसरे के प्यार में नहीं। इसलिए बोले भैया 3 पग जमीन क्या करोगे? बोले ब्राह्मण को ज्यादा लोभी नहीं होनी चाहिए, केवल एक जगह पर बैठ कर भजन करना चाहता हूँ। बोले भजन करोगे थोड़ा सामान भी तो नहीं रखोगे? देखो मेरे पास में बड़े बड़े दैत्य लोग है, उनकी जो प्यार है ना बड़ी बड़ी है, उनकी प्यार से नप्पा करके दे दूंगा। बोले नहीं भैया हम तो किसका छुआ हुआ चीज भी नहीं लेता। जब बोले संकल्प करो, जब संकल्प करने जा रहे थे किसी ने शुक्राचार्य जी को बोले तू तो यहाँ सुहा सुहा में लगे हुए हो, तेरे जो चेले है ना लूटे जा रहे हैं, तेरे चेले लूटे जा रहे हैं। इतने में शुक्राचार्य जो भागते भागते आए, बोले बलि सावधान, जानते हो ये कौन है? बोले कौन है? बोले पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना और तुम्हें अमृत से वंचित कर दिया, वही मोहिनी अब ये मोहन बन करके आया।
ये जो तीन पग जमीनी मांग रहा है, ये साक्षात भगवान विष्णु अभयम, ये तीन पग से विश्व ब्रह्मांड को माप लेगा, विश्व ब्रह्मांड को माप लेगा। खबरदार इनको दान मत दिया करो। बलि महाराज बोले, भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है, एक तो शेर, एक तो माता जी देवी, फिर वो शेर के ऊपर बैठ करके आए। मतलब क्या, एक तो दान मांगने वाले, लेकिन ये दान मांगने वाले कौन है? साक्षात भगवान, भगवान जिनकी विश्व ब्रह्मांड है, आज वो मेरे पास में दान को मांगने के लिए आए। मेरे जैसे कोई सौभाग्य हो सकता है? बोले मैं गुरु हूं, मैं गुरु बोल रहा हूं, इनको दान मत दो। पता है ना, चले लूटे जा रहा है, पर गुरु के लिए कुछ रहेगा नहीं है, इसलिए खबरदार इनको दान नहीं देना। बोले भैया मैं तो जरूर दान दूंगा इनको। बोले मेरे बात नहीं मानोगे? बोले नहीं। बोले अगर मेरे बात नहीं मानोगे मैं तुमको अभिशाप देता हूं, तो श्री भ्रष्ट हो जाओगे। बाप श्री भगवान श्री बलि महाराज बोले, भैया गुरु का काम क्या है? बोले गुरु का काम वो है अखंड मंडलाकारम व्याप्त जैन चराचरम तत्पद दर्शितम जैन तस्मय श्री गुरवे नमः। गुरु का वो काम है जो कण कण में जो व्याप्त भगवान है उनको जो दर्शन करा, ये गुरु का काम। ये साक्षात भगवान आए, गुरु का काम होता है ठाकुर जी का चरण को दर्शन कराओ। गुरु जी स्वयं ठाकुर जी आए, आप कैसे गुरु जी आप कह रहे हो ठाकुर जी को भगवान को भी मत दिया करो? लेकिन उन्होंने गुरु जी को त्याग दिया। देखो यहाँ पर कहते हैं, भैया गुरु त्याग कभी नहीं देनी चाहिए, गुरु त्याग देने से पाप लगता है। लेकिन यहाँ पर बलि महाराज ने गुरु त्याग दिए। बोले क्यों? देखो शास्त्र में बताए गुरु त्याग नहीं देनी चाहिए, शास्त्र ये भी बताए गुरु त्याग देनी चाहिए। बोले कहाँ पर गुरु त्याग देनी चाहिए? देखो ये पद्म पुराण के श्लोक है। बोले अब इसना व उपदिष्ट न मंत्रेण निरय ब्रजे पुनश्च विधि नाम समग्र ग्रहयात वैष्णवात गुरु। यहाँ कह रहे हैं अगर हमने अनजान में किसी गुरु जी से मंत्र लिखा लिए, लेकिन ये पता नहीं था किसी वैष्णव संप्रदाय में है, कोई अवैष्णव संप्रदाय में, वो वैष्णव है ही नहीं, लेकिन अगर हमें बाद में पता चलता तो अगर हम वैष्णव गुरु ग्रहण करते हैं उसमें कोई दोष नहीं। और कब गुरु त्याग देनी चाहिए? अगर गुरु जी कभी पतन हो गए, भक्ति से च्युत होकर के किसी गलत मार्ग पर गुरु जी चले गए, शास्त्र कहता है तभी हमें गुरु जी को त्याग दे करके ग्रहयात वैष्णवात गुरु, हमें वैष्णव संप्रदाय से गुरु ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है अवैष्णव उपदिष्ट न मंत्रण निरय ब्रजत। अगर गुरु जी वैष्णव नहीं हो, अगर हमने मंत्र लिया तो ऊपर नीचे जाओगे, ऊपर नहीं नीचे जाओगे। इसलिए गुरु जी चार वैष्णव संप्रदाय में श्री ब्रह्मा रुद्र और सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय में कोई एक वैष्णव संप्रदाय में आनी चाहिए, उनको ही जीवन में हम गुरु रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जब उन्होंने गुरु जी को उन्होंने त्याग दी, इतने में जब फिर संकल्प करने जा रहे थे कमंडल में, जो नार होता है ना, फिर कीड़े बनकर बैठी गए। बोले भैया शायद खाई जम गया, तब उन्होंने कुश से छेद किया तो एक आंख निकल गई। भैया यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर कहीं भक्ति में कोई धर्म कर्म में भैया कभी टांग नहीं लगानी चाहिए। कभी जो भागवत कथा है, कद श्रुत अनुपठित ध्यात आद्रित तवा अनुवदित सत्य पुनाति सत धर्मम जानति विश्व द्रोह भी। भगवान की जो भक्ति की मार्ग, भगवान प्रभु की जो भजन का जो मार्ग, यदि जो भागवत कथा इतने महिमा है, अगर कोई सुने कल्याण है, पढ़े कल्याण, अगर इतना कोई बोल दे भागवत कथा हो रही है, भगवत कथा है, धर्म कर्म है, भैया होनी चाहिए। अगर इतना कोई बोल देना कद वो व्यक्ति जितना बड़ा पापी क्यों नहीं हो, विश्व द्रोह कभी उसने देव द्रोह क्यों नहीं किए हो, कहते सद्य पुनाति सद धर्मम, सारे पाप से मुक्त होकर के अपना आत्म धर्म में भगवत गति को प्राप्त, भगवत धाम को प्राप्त करता है। इसलिए कभी भी टांग अड़ानी नहीं चाहिए। हम कहते हैं ना भैया अगर किसकी भलाई नहीं कर सकते हो, कभी किसकी बुराई भी मत क्या करो। इसलिए उन्होंने उन्होंने वहां से भागे, आंख उनकी चली गई, इसलिए भागे। फिर जब उन्होंने संकल्प करके उन्होंने दान दिए, ठाकुर जी एक पग में
भूर भूव मोहजन तब सत्य लोग तुझे चरण पहुंचा। कहते ब्रह्मांड कटाव को हाँ ब्रह्मांड भेद करके जो पहुंचा कहते वहीं से पतित पावन श्री गंगा निकली और उसी चरण को ब्रह्मा जी अभिषेक करके जो कमंडल में रखे वही श्री गंगा देवी हुई है। बोले श्री गंगा देवी की एक पग को अतल बीतल तलातल पाताल लोग तो गया। बोले बताओ बड़ा ठीक यहाँ करा था तुम्हारी झोली भर दूंगा कहीं तुम्हें कुछ मांगने का जरूरत नहीं। बताओ अभी तीसरे पग मैंने कहाँ रखूंगा। उन्होंने नाग फांस बंधन में उनको बांध दिए। लेकिन उनको जो पत्नी थी ना बड़ी धर्मात्मा पत्नी बड़ी भक्तिमती थी। पत्नी ने कहा आप ठाकुर को क्या दिया कुछ तो दिया ही नहीं विश्व ब्रह्मांड ठाकुर जी का। ठाकुर अपना दुनिया को ले लिया जब तक आप खुद को खुद नहीं देते हो देना थोड़ी होता है। बताओ ना आपका सर पर ठाकुर जी चरण रखे। बलि महाराज इतने प्रसन्न हो गए। बोले भैया पत्नी ऐसे होनी चाहिए। देखो कहते पत्नी दो तरह का पत्नी है। कितना तरह का पत्नी है एक धर्म पत्नी और एक धन पत्नी। कहते धन पत्नी मतलब क्या। बोले जब तक पति को पास में धन रहेगा तब तक रहेंगे और धन खत्म हो गया तो भाग जाए ये धन पत्नी। कहते धर्म पत्नी कौन है। बोले धर्म पत्नी वही है पति की कंधे में कंधे लगा करके सुख दुख हर स्थिति में उसका जो साथ देना कहती है धर्म पत्नी। बलि महाराज इतने प्रसन्न हो गए। बोले भैया पत्नी तो ऐसे होनी चाहिए। मैं तो बड़ा सोच में पड़ गया था ठाकुर को दू क्या। बलि महाराज ने बोले बताओ दान बड़ा ना दानी बड़ा। बोले दानी बड़ा। बोले आप तो केवल दानी लिए अभी तो दानी स्वयं बाकी है। प्रभु जी आप मेरे सर के ऊपर अपना चरण रखो। भगवान जब चरण को उनकी सर के ऊपर रखे सारे देवता लोग प्रसन्न हो गए। क्यों। बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सेव जाहि निरंतर ध्यामे ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार चित पद। जिस चरण को लक्ष्मी हर समय गोद में लेकर के सेवा करती हैं ब्रह्मा शंकर जिस चरण की पूजा करते हैं आज वो दुर्लभ चरण कहां पर उन्होंने श्री बलि महाराज के सर पर रखे। सारे देवता लोग प्रसन्न होकर के पुष्प की बौछार की। बोले श्री बलि महाराज की जय। श्री वामन भगवान की जय। सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे प्रसन्न हो गए। भगवान बलि बलि इसमें हमारे टीकाकार ना इतनी अच्छी अच्छी बात बताई अगर इसी विषय को पाठ कर तो साथ दिन जाएगा। इसमें टीका में इतनी अच्छी अच्छी उन्होंने बात बताई। फिर उन्होंने बोले तुमको सुतल लोक का हम स्थान देता हूँ भविष्य में तुम इंद्र बनने वाले हो। बोले बर्म आगो। बोले प्रभु मेरी एक इच्छा है जब मैं घर में आऊं और घर से जाऊं आपका केवल दर्शन पाऊं इतना वरदान दो। ठाकुर जी एक तरह से दरवान बन गए। ठाकुर जी उनकी दरवान जैसे बन गए। दरवान तो है नहीं ठाकुर जी को उन्होंने अपने दरवान पर जब जाते हैं आते हैं ठाकुर जी को दर्शन करते हैं। इसलिए कोई कोई कथाकार कहते हैं एक दिन नारद जी पहुंचे वैकुंठ में देखा ठाकुर जी है नहीं। इतने में नारद जी लक्ष्मी से पूछे भाई ठाकुर जी गए कहाँ। बोले पता नहीं कहीं गए अभी तक आए नहीं। बोले जानते हो कहाँ गए। बोले क्या। बोले विदेश में नौकरी ढूंढ लिया। बोले विदेश में नौकरी कौन सा नौकरी। बोले चौकीदार की। बोले कहाँ पर। बोले बलि महाराज की। इतने में लक्ष्मी लेने के लिए आई वहां पर देखा ठाकुर जी चौकीदार चौकीदार रूप में। बोले यही कसर रह गया था तुम्हारी यही कसर रह गई। तो बोले ज्यादा बोलो मत मैं ड्यूटी दे रहा हूँ मैं बात नहीं कर सकता हूँ। अभी बलि महाराज रोज दान देते हैं। अभी जिस लाइन में सबके सब खड़े हुए माँ लक्ष्मी भी खड़ी हो गई। लक्ष्मी की नंबर आई तो बोले बर्मा गो क्या चाहते हो तुम। बोले पहले संकल्प करो। बोले पहले तो एक संकल्प कराने वाला आया था ये दूसरी कौन आ गई। भैया संकल्प किया जरूरत मांगना जो कुछ मांगना। बोले बगैर संकल्प से मैं नहीं मांगती हूँ। जब संकल्प किए बोले मेरे घर में सब कुछ है लेकिन आपका दरवान में देखा कि अच्छे दरवान बैठा हुआ इस दरवान को मेरे को दे दो। वो तो समझ गई ये कोई साधारण नहीं। बोले बताओ तुम है कौन। तब माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट होती हैं। बोले प्रभु को तो मैं दे नहीं सकता हूँ। उन्होंने बोले ठाकुर जी एक स्वरूप में रहे और एक स्वरूप में गए। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं ये भक्ति ऐसे चीज है सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान भक्ति को द्वारा जितने वशीभूत हुए
और कोई उपाय के द्वारा प्रभु इतने वसीभूत नहीं हुए। देखो दान किसको दे रहे हैं, माँ लक्ष्मी को। देखना लक्ष्मी हाथ ऐसे करके बैठी है ना, सारा दुनिया माँ लक्ष्मी की कृपा चाहती है। लक्ष्मी की कृपा नहीं हो ना, कथा आती है कृष्ण बलराम भी बड़े दिन तक भूखे रहे, माँ लक्ष्मी बिगड़ गई कभी तो इनको भी भूखे रहना पड़ा। सारा दुनिया लक्ष्मी की आशीर्वाद चाहती है, लेकिन आज लक्ष्मी को दान दे रहे हैं। क्या दान दे रहे हैं? छोटे मोटे चीज नहीं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है उनको लक्ष्मी को दान दे रहे हैं। मतलब भगवान भक्तों का प्रेम में इतने वशीभूत हो जाते हैं। बोले श्री बलि महाराज की, बोले श्री बामन भगवान की जय। अभी भगवान कृष्ण आएंगे, बामन भगवान, अभी भगवान बामन देव आपसे भिक्षा लेने के लिए जाएंगे। ठाकुर जी को भिक्षा देने का बड़ा महत्व है, जैसे सुदामा जी दो मुठी चिड़वा दिया ना, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दिए, इसलिए भगवान को भिक्षा देने का बड़ा महत्व। अभी भगवान बामन देव अभी आपसे भिक्षा लेने जाएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा जी को भिक्षा देना। प्रभु जी हालत, अब कृष्ण कृष्ण तैयारी है और देव देवक वसुदेव तैयारी है। कि तेरे द्वारी खड़ा भगवान, कि तेरे द्वारी खड़ा भगवान, भगत भर तेरे छोरी, भगत भर तेरे छोरी, मेरे द्वारी खड़ा भगवान, मेरे द्वारी खड़ा भगवान, भगत भर तेरे छोरी, भगत भर तेरे छोरी, भगत भर तेरे Thank you.
Thank you.